गाइस देखो कैसा है कि पहली बात मतलब अभी हम लोग का मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक हुआ है। सब लोग यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो। जैसे अपन ने स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स, बराबर, ठीक है, काइनेमैटिक्स। उसके बाद एनएलएम, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, राइट। उसके पहले अपन ने स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस किया था, कैलकुलस एंड स्केलर वेक्टर किया था। मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस को टॉपिक नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशंस वैसे भी बेवकूफ टॉपिक होता है, कुछ होता नहीं उसमें, ठीक है। तो कैलकुलस एंड स्केलर वेक्टर ये बेसिक है, मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोग को रिविजन लेक्चर में बैठना है, मैं कैलकुलस का जो भी करंट बैच है, बैच 2 है, उसके लिए मैं रिविजन लेक्चर रखने वाला हूँ। मतलब उनको मैंने रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोली है, तो उस कैलकुलस के रिकॉर्ड मतलब रिवीजन लेक्चर में आप बैठ सकते हो। वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो अपन थोड़ा सा कर सकते हैं, राइट। तो काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये हो चुका है। इसके बाद मैं लिंक भेज दूंगा, लिंक सारे ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप बैठ सकते हो, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के बाद देखो, सर्कुलर मोशन के बाद जाने वाला है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क पावर एनर्जी कर हम बोलते हैं, वर्क एनर्जी पावर, सुनो। और उसके बाद जाएगा कोलिजन, ठीक है, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। देखो कितने चैप्टर्स हुए हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, काइनेमैटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आधा हुआ है, ठीक है। तो आज हो जाएगा, फिर वर्क पावर एनर्जी आएगा, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन आएगा। जैसे ही मेरा ये खत्म हो जाता है गाइस, तो हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स पार्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये पता है क्यों, ये इसको अपन क्यों मतलब इन चैप्टर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है? कुछ लोग इसके बिना ही हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ लोग इसके बिना ही मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी मतलब अपने पूरे इंडिया में जो कोचिंग चलती है, ठीक है, खास करके नीट एंड जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो नीट एंड जेई मेंस की जो कोचिंग होती है, मतलब जेई मेन मतलब जेई एडवांस तो है ही, ठीक है। तो मैं नीट एंड जेई की जो कोचिंग चलती है, हमेशा इसी ऑर्डर में जाना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी ऑर्डर में जाना चाहिए, तो ही आपका कंसेप्ट अच्छा बनेगा, नहीं तो आप रटना चालू करोगे, ठीक है। अब ये मुझे लगता है ये अपना होगा, आज है 2, 1 सितंबर, अक्टूबर मिड तक, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है अक्टूबर एंड या अक्टूबर मिड तक ये हो जाएगा। तो अक्टूबर एंड जब हो जाएगा, तो इन चैप्टर्स के बाद मैं इनके ऊपर 1 वीक, 1 वीक का क्वेश्चन सॉल्विंग रखूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा ना, इन सबका कॉम्बिनेशन में बनेगा, मतलब पूरा का पूरा हर एक चीज कंबाइन होके आएगा। तो ये 1 वीक का क्वेश्चन सॉल्विंग होगा इसके बाद, ठीक है, जिससे आपके ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी से बन जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग जंप मारेंगे रोटेशनल मोशन पे, ठीक है। अब जिस वक्त रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका पैरेलल ट्रैक में हीट एंड थर्मोडायनामिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक में स्टार्ट करवाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही लूंगा। मैं जनरली लॉकडाउन नहीं होता है, लॉकडाउन नहीं होता तो मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कोई और मतलब अभी सर या कोई और प्रोफेसर लेते, ठीक है। लेकिन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का ट्रैक भी इस बार मैं ही लूंगा, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा, और रोटेशनल मोशन स्टार्ट होते होते ही पैरेलली मतलब लेक्चर्स डिवाइड हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन जैसे अपन आधा खत्म कर लेंगे, अपन हीट एंड थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलेगी रोटेशनल मोशन के बाद। एसएचएम ऑसिलेशन करके चैप्टर आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक सब खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ चीजें एक साथ खत्म हो जाएगी अपनी, ठीक है। जैसे ये हो जाता है, मतलब आपका ना बहुत अच्छा खासा बर्डन 11th का खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग वेव्स में जाएंगे, वेव्स बहुत ही घटिया चीज है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही घटिया चीज है, मतलब बहुत ही इजी है, मतलब कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। ये सब होने के बाद वो आपका बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा अपना कुछ मैप है, मतलब एक अराउंड दिसंबर तक मुझे आपका गाइज टिल रोटेशनल मोशन एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स खत्म करना है, हीट एंड थर्मोडायनामिक एसएचएम इतना खत्म करना है। ये होने के बाद ना अपन काफी अच्छे खासे मतलब अपने लेवल पे रहेंगे, ठीक है, अच्छा खासा लेवल पे अपना रहेगा। मतलब मुझे फिर वो रिवीजन करने में भी मजा आएगा। तुम लोगों को मैंने रिवीजन का बताया था, रिवीजन का मैंने आपको बताया था कि कैसे रिवीजन होगा, तब आपका और अच्छा चमकना चालू होगा, ठीक है। रिवीजन अपना बहुत ही मेन चीज होती है, ठीक हाँ
थ्योरी बुक, ओके थ्योरी बुक फिजिक्स में, देखो फिजिक्स में ना थ्योरी बुक नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिजिक्स की थ्योरी आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जनरली आपको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है। फाइनली ये जेई मेंस में एंड नीट में काम आएगी, कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसका, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बुक्स भी आप खरीद लो। हाँ, एचएससी वाले जो लोग है, एचएससी मतलब सब लोग एचएससी है, ठीक है, लेकिन आपको पता है बोर्ड अपने को काम में कब आने वाला है, बोर्ड का पढ़ाई कब काम में आने वाला है, तो अभी पढ़ के क्या फायदा है भाई, अभी पढ़ के क्या, उसको थोड़ी टाइम बर्बाद करना है आपको भाई। ये दो साल बहुत क्रुशियल है, एचएससी को आप छोगे भी नहीं, मतलब टच भी नहीं करोगे अभी, जब तक मैं बोलूंगा जब तक टच नहीं करेंगे। और वैसे भी जो भी आपके यूनिट टेस्ट के पेपर वेपर होंगे वो तो सब कुछ उसका दिक्कत मत करो आप, ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, उससे रट लो खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपको यूनिट टेस्ट हो जाएगी। तो एचएससी का जो क्वेश्चन होगा 12th वाला, मैं आपको बोला कब चालू करेंगे अपन, 12th में कब स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको एक प्लान बताया था, राइट सर, आपने जुलाई के बाद, अगले जुलाई के बाद, तो अगले मतलब नेक्स्ट जुलाई 2021, जुलाई 2021, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये पूरा का पूरा आपका 12th का बोर्ड्स चलेगा, बोर्ड्स मतलब मेरा रिवीजन, मेरे रिवीजन के साथ साथ 12th का पूरा बोर्ड्स कराएंगे, मतलब उसमें आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे क्वेश्चन करने, क्योंकि बोर्ड उतना ही काम का है, और 12th के बोर्ड के साथ साथ सीईटी, तो जो प्रोफेसर आएगा वो प्रोफेसर 12th बोर्ड एंड सीईटी का आपका प्रिपरेशन करवाएगा, तो आपका सीईटी भी हम कराने वाले, टेंशन मत लो। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना मुझे एमएचसीईटी करना है, एमएचसीईटी करना है, लेकिन अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा ना अपना इस लेवल का, जेई लेवल का जब पोर्शन खत्म हो जाता है उसके बाद आप सीईटी का प्रिपरेशन अगले साल करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा क्या फालतू चीज है, ठीक है, मतलब आपको ऐसे ही मार्क्स आ जाएंगे, ध्यान में रखना। तो ये चीज जो है वो अगले साल करने वाले हैं, अभी हम लोग कोई सीटी का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने चीज देखी होगी, मेरा होमवर्क जो होता है गाइस, होमवर्क जो होता है, मैं होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, मैं होमवर्क में 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नहीं दे पाता। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि 100 टू 50 क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते अच्छे लेवल के। मैंने बोला एचसी वर्मा के 70 क्वेश्चंस कराओ, आप करके आओगे कि 3 दिन में 4 दिन में? नो सर। एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 10-15 मिनट लगेगा, तो आप 3-4 घंटा भी करने गए तो आप 8 से 10-15 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर है। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ना, जो सीईटी लेवल के होते हैं या थोड़े से नीट के लोअर लेवल के होते हैं, तो सीटी एंड नीट के लोअर लेवल के क्वेश्चन जो है ना गाइस, वो अपन अगले साल करने वाले हैं, अगले साल बहुत ही क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है अगले साल आप जुलाई के बाद 2021 जुलाई से लेके 2021 अराउंड जनवरी तक, मैं आपसे सिर्फ फिजिक्स के अराउंड 4,000 से 5,000 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? 4,000 to 5,000 क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा। क्यों? क्योंकि तब आपका बहुत बेसिक अच्छे से बना होगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तब सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ठीक है, क्योंकि अपन आपका कंसेप्ट बन चुका होगा, ठीक है। तो ये अपन अगले साल करेंगे, अभी नहीं करेंगे भाई, अभी पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अभी क्वालिटी क्वेश्चंस, अभी अपने को करने हैं क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। 10 क्वेश्चन करो, लेकिन ऐसे वाले करो जो आपके कंसेप्ट को अल्टीमेट बना दे, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अभी अपना सर्कुलर मोशन। बोलो सर, सर ये जेई कब रहेगी, यानी कौन से टाइम में रहती है जेई? जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली होता है मतलब जनवरी में। ओके सर। सर जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में है ना? क्या बोल रहे हैं सर? जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में रहती है ना? फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकंड वीक, वो जो मतलब 5-6 दिन का होता है ना, मतलब अलग अलग दिन पे, तो जनवरी का अटेम्प्ट होता है। तो हम लोग मतलब जो हमारा जो ये है, जिस तरीके से हम जाने वाले, जिस तरीके से हम अपना पोर्शन खत्म करने वाले, आपको जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है, मतलब अच्छा करना है, ठीक है। तो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट ही आप अच्छा करोगे ना, तो आपको क्या होगा, जो लोग फिर सीईटी प्रिपेयर करने वाले होंगे तो सीईटी भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को जेई एडवांस जो लोग है, प्रिपेयर कर सकते हो। आपका स्क्रीन नहीं देख रहा सर, बंद हो गया, नेट अच्छे से नहीं चल रहा क्या? नेट तो देखो यार, वाईफाई इधर का मतलब, वाईफाई में यार मतलब अपना अंधेरी वाला वाईफाई अंदर है, तो
बोईसर वाला तो होगा ही, ऑब्वियस की बात है। ठीक है सर, घर कब जाने वाले आप? अब घर में अभी हो क्या रहा है पता है, वो जो गाड़ी का जो काम था तो वो जो प्लेट थी वो हमको मिली नहीं रही थी, वो कल मिली रात को, अब वो आज बैठाएगा और बहुत सारा चीजें वो खत्म करके फिर मैं अभी एक दिन इतना रुका ही हूँ, तो अभी घर वाले बोल रहे हैं अभी दो दिन और रुक जा। तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम लास्ट के 15 साल में मैं 15 दिन इधर रुका हूँ होम टाउन में, अब तक पिछले 15 साल में इतना टाइम नहीं रुका था कभी मैं, तो ठीक है मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। क्या हो गया सर? मॉड्यूल कलेक्ट करने का भी आ सकता है। अभी ध्यान से सुनो सब लोग, गाइस पहले ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग अपनी चालू है ठीक है, प्रॉपर आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। यस सर आ रहा है। दरवाजा भी मैंने थोड़ा सा खुला ही रखा क्योंकि नेटवर्क सही आएगा। अब यहाँ पे देखो एकदम सिंपल सर्कुलर मोशन। अब तुमको ना क्या याद रखना है मैं आपको तुमको बताता हूँ, याद रखना है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ और रिवाइज करा के आज अपन अच्छे वाले इसमें जाएंगे। ठीक है अच्छे वाले इसमें जाएंगे। अब सर्कुलर मोशन मैंने आपको क्या बोला था, सर्कुलर मोशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनो सब लोग, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब काइनेमेटिक्स को बिल्कुल भूलना है, जिन लोगों को काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो मैं बोल रहा हूं ना सिर्फ इतना दिमाग में रखो। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखो कोई भी पार्टिकल सपोज सर्कल में घूम रहा है, मतलब जॉग कर रहे आप लोग, दौड़ रहे आप सर्कल में दौड़ रहे हो। ठीक है, अब सर्कल में दौड़ रहे हो तो आपका स्पीड क्या है? बेसिकली सर्कल में दौड़ते दौड़ते क्या है, स्पीड कॉन्स्टेंट है। आपका स्पीड क्या है? कॉन्स्टेंट, मतलब आपका जो स्पीड है वो सेम स्पीड में आप दौड़ रहे हो, मतलब आपका हर एक पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सेम। ठीक है, तो मुझे तो जो टेंजेंशियल स्पीड है तुम्हारा वो सेम है, टेंजेंशियल स्पीड है सेम है, इसका मतलब मुझे बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हुआ इसमें? इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया? तो इसका ना कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। जीरो। ठीक है, मैंने आपको तीन चीजें आपको याद रखने के बोली थी, कोई भी सर्कुलर मोशन जब होता है तो मैंने आपको क्या बोला था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा, वे थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, उसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, आर इंटू क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब किसी ने बोला, किसी ने एंगुलर वेलोसिटी दिया तो वी पूछा है तो कैसे निकालोगे, आर ओमेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, आर इंटू क्या होती है, अल्फा। तो मैंने आपको ऐसी दिमाग में रखने के लिए बोली थी, s इक्वल टू r थीटा, v इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने सबका डायरेक्शन क्या बोला, जब एंगल ऐसा घूमता है ठीक है, तो थीटा ऐसे एंगल घूमेगा तो क्लॉकवाइज, मतलब सपोज जैसे कि इस केस में कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा जो कि बाहर, पेज के बाहर आएगा। सपोज वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो पेज के अंदर होगा। और कभी भी ऐसा दिखते हैं, देखो कभी भी ना ऐसा लिखा जाता है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसे है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी इस केस में कहाँ पे होगी, पेज के कहाँ पे होगी, नहीं इस केस में पेज के बाहर होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी पेज के बाहर होगी, तो ये बाहर होगी मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होगा, पेज के कहाँ पे होगा, बाहर। ठीक है सिद्धि, यस सर, आवाज आ रहा है ना? यस सर। तुझे मेरे से बात करनी, तूने कुछ मिठी भाई में एडमिशन लिया है क्या? यस सर। हाँ तो बाद में बात कर मेरे से। अब मुझे एक बात बताओ, जब एंगुलर वेलोसिटी सपोज एंटी क्लॉकवाइज होगी तो थंब जो होगा वो पेज के कहाँ पे होगा, बाहर होगा। अब मुझे बताओ, जब ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो मुझे बताओ, जब ये ऐसे घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी पेज के कहाँ पे होगी, अंदर।
ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया। अब सिंपल इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मुझे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो मुझे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, जीरो। अरे तुम इधर से भी देख सकते हो ना, थर्ड एक्सप्रेशन से भी देखो ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अल्फा भी कितना होगा, जीरो। या अल्फा जीरो होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो। तो मैंने बताया था तुम लोगों, ठीक है, जीरो। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब लेकिन मैंने एक चीज बोली थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म मतलब क्या, जिसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी सब जगह पे क्या है, सेम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं लिख देता हूँ जीरो, लेकिन यहाँ पे तुमको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसके वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, विच इज टुवर्ड्स कि कहाँ पे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू कितनी थी, v into v square by r, तो v into omega या v square by r या omega square into r। और एक चीज, कुछ कुछ लोग जब ये मांगते हैं रिकॉर्डिंग्स, तो आपको पता है ना आपका जो बैच वन का यूट्यूब पे जो चैनल बना हुआ है उसी के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो डाल के रखा है मैंने, तीन दिन के पहले ही डाल के रखा था, ठीक है। कोई भी कुछ लोग मांग रहे थे अभी रिसेंटली, सर सारे सब्जेक्ट के यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हैं रिकॉर्डिंग, सारे सब्जेक्ट की यार लोग कंफर्टेबल नहीं होते ना, मतलब सर वो ड्राइव पे 2x की स्पीड पे नहीं देखना आता है। हाँ वो मुझे पता है, वो एक्चुअली हम लोग अभी मास्टर क्लास का एक अलग से यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो मेरा फिजिक्स शो जेवाईसी वाला चैनल है ना, वो ये सब लाइव लेक्चर्स डाल के ना हम लोग ने गंदा किया है, बहुत सारे लोगों का मुझे रिप्लाई है, तो क्या करना है उसको हम लोग अलग से चैनल पे अभी पूरे के पूरे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है मैच जाएगा, यूट्यूब कन्वीनियंट, इसलिए तो हम लोग प्लेलिस्ट वहां पे बना के डालते हैं, लेकिन अभी मास्टर क्लास का अलग से चैनल बना के उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ ऐसा पूरा का एंड बायोलॉजी का पूरा पूरा हम लोग वो बनाएंगे, सब जगह सब वहां पे तीनों डालोगे क्या, तीनों डालोगे सब, हां सब डालेंगे। अब यहां पे पहले देखो, चलो तो ये हो गया मेरा कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मुझे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। हाँ एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा, अब एक्सेलरेशन देखो नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ का स्पीड v1 हुआ, यहाँ का स्पीड क्या होगा v2, तो देखो यहाँ पे स्पीड भी बदल रहा है भाई, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, उसका स्पीड भी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड स्पीड बदलने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या आएगा और कौन सा एक्सेलरेशन आएगा टूवर्ड्स कहाँ पे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में आएगा नेट एक्सेलरेशन व्हिच इज व्हाट, यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ क्या, at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर, ध्यान में रखना इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जीरो नहीं है, रेडियल तो जीरो होगा ही नहीं, वो तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी जीरो नहीं था, तो ये दोनों एक्सेलरेशन होंगे। समझ में आ रहा है कोई, अभी किसी को दिक्कत है क्या इसमें, पहले बताओ। नो सर। दिस वाज माय काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा मतलब रिवाइज हो गया, ठीक है, चलो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, राइट, अल्फा के वैल्यू जीरो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा ना, क्योंकि 80 जीरो नहीं है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा भी कितना होता है 80 बाय r ना, यस सर थैंक यू, तो जीरो नहीं होगा वो, ठीक है,
जो अगला वाला पार्ट होता है ना चाइना में पार्ट होता है ना मैं रोकी और मतलब ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल विनर वाला जो व्लॉग देख रहे हैं ना अभी हम लोग डायनामिक्स वाला पार्ट देखते हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट है जो अपने सर अपने एचसी वर्मा में है ठीक है हम लोग एचसी वर्मा को रिफर करते हैं एचसी वर्मा अपना बाइबल बुक में मैंने बोला था उसके हिसाब से अपन चलेंगे उसके हिसाब से अपना सीक्वेंस रखेंगे ठीक है सर होमवर्क सम करने के क्या अभी होमवर्क सब अभी मैं कराऊंगा ना आपसे वही आपने होमवर्क दिया था तो आप सॉल्व करने वाले हो क्या अभी हाँ वही वही तो करने वाला हूँ ना भाई वही तो कंसेप्चुअल है ना वही तो कंसेप्ट बनेगा इससे ही तो होमवर्क क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको आपने किए होंगे अलग बात है मैं कराऊंगा तो और बनेगा ठीक है और गाइस जो एग्जाम में देता हूँ ना जब मैं एग्जाम आपको देता हूँ 10 बजे की तो जिन लोग का फ्रेश मूड होता है ना 10 बजे दे देंगे लेकिन वो 10 से 11 PM के अंदर कभी भी दे सकते हो समझ रहे आपका एग्जाम जो होता है 10 AM से 11 PM के अंदर आप कभी भी दे सकते हो लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको सुबह ही देना है क्योंकि फ्रेश होता है आदमी ठीक है तो okay. आपने एक और क्वेश्चन पूछे थे एनआरसी चलो वो देखते बाद में पहले यहाँ पे देख लो अभी डायनामिक्स नाउ व्हाट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन तो मुझे बताओ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखो क्या होता है ठीक है अब सर्कुलर मोशन डायनामिक्स में जो होता है अब यहाँ पे ध्यान से सुनो गाइस सब लोग ध्यान से सुनो मैंने सपोज यहां पे देखो यहां पे लेट्स से एक मास है जो कि मूव कर रहा है अब देखो डायनामिक्स में मैंने आपको क्या बोला था मैंने स्टेप्स बोले थे स्टेप्स ठीक है थोड़ा सा स्टेप्स पहले याद करो आप लोग पहला स्टेप क्या था फाइंड व्हाट सेंटर पहले फाइंड सेंटर फाइंड आउट जो भी सर्कल घूम रहा है ना जो भी आदमी सर्कल घूम रहा है उसका पहले सेंटर फाइंड आउट करने सेंटर फाइंड आउट करने के बाद ठीक है एक्सेलरेशन कहां पे होता है टुवर्ड्स कहां पे होता है सेंटर तो रेडियल एक्सेलरेशन को लिखने का मतलब क्या लिखने का ड्रॉ बेसिकली क्या ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस एक एक्सिस मेरी कहां पे आनी चाहिए वन एक्सिस शुड बी टुवर्ड्स वहां पे कहां पे सेंटर ना center. एक एक्सिस टुवर्ड्स सेंटर आएगी क्योंकि yeah. वो एक्सेलरेशन रहेगा तो ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू व्हाट एक्सेलरेशन तो एक रेडियल के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मान ली उसके अपोजिट में मैंने मतलब टेंजेंट मान लिया जो भी है ठीक है अब इसके बाद ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस मतलब और एफबीडी बनाओ ड्रॉ एफबीडी फिर फाइनली व्हाट राइट द इक्वेशन थर्ड मेरा थर्ड स्टेप होता है राइट इक्वेशन तो ये बेसिकली ना मेरा स्टेप है सिंपल तो अब इसका स्टेप को मैं फॉलो करता हूं ठीक है और ध्यान में रखना ड्रॉ एफ बी डी एंड राइट इक्वेशन में हमें F इक्वल टू ma ही अपने को साथ देने वाला है और कुछ नहीं तो F net is equal to mass into acceleration of center of mass यही जो होगा ये मेरे को हमें खत्म बात ठीक है तो ये पूरा का पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही है गाइस सर्कुलर मोशन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है एक्सटेंडेड वर्जन है बस ठीक है तो अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात मैं तुमको बताता हूँ ठीक है बस यहाँ पे इतना ध्यान में रखना होता है एक्सेलरेशन जो रेडियल होता है वो अपने को आइदर वी स्क्वायर बाय आर लेते हैं यानी तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लेते हैं खत्म मतलब इसमें एक्सेलरेशन पता है मतलब इसमें एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ क्या होता है स्पीड होता है तो इसके मैंने अलग 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 केसेस आपको बताए थे मैं अलग अलग केसेस आपको बताता हूँ फटाफट जितने भी केसेस मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में वो मैं रिवाइज कराता हूँ यहाँ पे सब लोग देख लो एक ग्राउंड है ग्राउंड के ऊपर बेसिकली आदमी खड़ा है जिसका मास है एम ठीक है अब ये जो आदमी है ना ये जॉग करना चालू किया जब इसने जॉगिंग करना चालू किया तो ऐसा ऐसा घूमने चालू किया उसने सर्कल में थोड़ा सा समझ जाओ कि मतलब ये पेज के अंदर से ऐसा घूम के बाहर आ रहा है और ऐसा घूमता घूम रहा है ठीक है तो पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया सेंटर फाइंड आउट किया मैंने सेंटर फाइंड आउट करने के बाद सारे एफबीडी को ड्रॉ किया एफबीडी को ड्रॉ करने के पहले मुझे सेंटर फाइंड आउट करने के बाद उसके तरफ मैंने एक्सेलरेशन लिखा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखी मैंने वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर ये लिखा जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिखा अब मैंने क्या किया इसका एफबीडी बनाया इसका नॉर्मल फोर्स कहां पे होगा ऊपर अब एफबीडी बनाने के पहले ना एक्सिस बनाया ना मैंने तो एक्सेलरेशन यहां पे है तो एक एक्सिस कहां पे होगी तो मैंने एक एक्सिस लिखी एस दूसरी एक्सिस लिखी एस ठीक है मुझे ही बोलने दो क्योंकि रिविजन है अब मैंने एक्सिस बनाने के बाद यहां पे क्या किया मैंने ऊपर एक नॉर्मल फोर्स को ड्रॉ किया नीचे एमजी ड्रॉ किया अब मेरे को एक पता चला कि नॉर्मल फोर्स एंड एमजी तो ऊपर नीचे है अलोंग एक्स अलोंग वाई एक्सिस है यहाँ पे तो कोई भी एक्सेलरेशन उसका वाई एक्सिस पे नहीं है तो ये एक्सेलरेशन देगा कौन मेरा क्वेश्चन मार्क क्या था ये एक्सेलरेशन देगा कौन जैसे मैंने एक सिंपल सी बात आगे बढ़ते हैं तो ये कौन देगा एक्सेलरेशन फ्रिक्शन
ये मेरा, तो ये एक्सेलरेशन कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। अब सिंपल सी बात है, F is equal to ma लिखता हूं मैं, तो मैं F is equal to ma लिखूंगा, तो F is equal to mass into acceleration, तो मैंने F is equal to mass into v square by r लिखा। तो ये तो मेरा आ गया इक्वेशन नंबर वन, जो कि मेरा एक्चुअल इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लेकिन फिर इसमें मैंने एक और चीज पूछी, किसी ने बोला फाइंड वी मैक्स, इसमें फाइंड वी मैक्स, वी मैक्स की वैल्यू निकालो कितनी है। इसने बोला वी मैक्स की वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए मतलब क्या है कि कितने मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकता है, ठीक है, ये निकालने के लिए मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या करनी पड़ी, मैक्सिमम। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम करूंगा तो ही वेलोसिटी मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, म्यू एस इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, तो म्यू एस इंटू एन, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, खत्म बात। यहाँ पे वी मैक्स मिल गया मुझे, एम एम कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ क्या, म्यू एस आर एस आर जी सर। मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैंने उस दिन एक चीज आपको बताई थी, आपको ना जोरदार घूमना है, आपको आपका मैक्सिमम स्पीड से दौड़ना है, मतलब आपको ना बहुत जोरदार सर्कल मारना है, तो आइदर आपके जूतों, आपके जो शूज होंगे, शूज का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब ज्यादा होगा तो वीमैक्स ज्यादा होगा, या फिर आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा नहीं होगा तो आपको रेडियस आपकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। देखा होगा ना छोटे रेडियस में कभी आप जोरदार टर्न मार सकते हो, नहीं मार सकते। नाफिल का जो 800 वाली कार थी, ठीक है, तो और वो उसमें मतलब कुछ नहीं था, ठीक है, तो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा जितना बड़ा रेडियस मारोगे ना उससे ज्यादा स्पीड से आप दौड़ सकते हो, ठीक है। ग्रेविटी तो अपने हाथ में है ही नहीं, ठीक है, तो ग्रेविटी को तो चेंज नहीं कर सकते, इतना ये फॉर्मूला काम में आता है नीट के लाइट एग्जाम, मतलब नीट के लोअर लेवल, नीट पे लोअर लेवल में, नीट पे एंड सीईटी में, ठीक है। जेई मेन में लाइट, मतलब जेई मेन में कुछ एकदम इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। अब इसके बाद अपन ने सेकंड बताया था कि सपोज बिल्कुल फ्रिक्शन ही नहीं, यस अपूर्वा, रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, मैंने बोला ना रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर एंड टेंजेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो बोथ के अंदर, दोनों के अंदर का एंगल हमेशा 90 होगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद मैंने जो मैंने एक केस बताई थी, जहां पे मैंने क्या बताया था गाइस, देखो यहाँ पे अभी समझ में आएगा आपको, कल समझ में नहीं आया होगा, कल क्योंकि एकदम इंडेंट में मैंने पढ़ाया था, तो कल आपके दिमाग में शायद से नहीं गया होगा, शायद से अभी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला, एक कार है जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब एक आदमी है, ये कार है ऐसे, ये ब्लॉक है, इसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मुझे बताओ कभी कभी एक्सेलरेशन आएगा क्या इसका, इधर टुवर्ड सेंटर, मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, जो रोड होता है ना, देखो यहाँ पे ये बेसिकली ऐसे रोड है, ये आदमी एम ऐसे घूम रहा है, मतलब आदमी या फिर ये जो भी कार घूम रही है, ठीक है, मुझे पता ये सेंटर है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कि यार भाई नॉर्मल फोर्स ऊपर रहता है और एम जी कहाँ पे रहता है, नीचे, तो यार यहाँ नहीं होगा, तो मुझे पता फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी फोर्स सेंटर में होगा ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो yes, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये भाई टर्न कैसे मारेगा। फिर मैंने क्या किया, देखो एम जी को मैं कभी बेंड करा सकता हूँ क्या, एम जी हमेशा कहाँ पे रहेगा, नीचे, नॉर्मल फोर्स को, तो मैं एम जी को कभी नीचे, लेकिन मैं नॉर्मल फोर्स को ऐसे करा सकता हूँ, एक मिनट, एक नॉर्मल फोर्स को मैं ऐसे करा सकता हूँ, कैसे कराऊंगा, मैं ये जो रोड है ना पूरा रोड, इसको उठा दूंगा ऐसे, तो मेरा जो ब्लॉक हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, आप समझ में आ रहा है, हाँ सर, मैंने इस ब्लॉक को ही पूरा का पूरा इस रोड को ही उठा दिया एंगल थीटा से, अब समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, हाँ सर, ग्राउंड किया, मैंने इस पूरे ब्लॉक को ऐसे उठा दिया, मतलब ग्राउंड को पूरा, मेरे ग्राउंड ऐसा स्ट्रेट था ना जिसके ऊपर ऐसा कार घूम रही थी, ठीक है, ऐसे घूम रही थी, रोड था यहाँ पे और कार ऐसे जाके ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रोड को क्या कर दिया ऐसे, और कार अभी ऐसे घूमना चलूंगी, समझ में सर, इसको बैंक्ड बोलते हैं ना, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, तो मैंने क्या कर दिया, बैंक कर दिया, तो बैंक कर दिया मतलब क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पूरे रोड को, अब मैं यहाँ पे एफबीडी बना देता हूँ, ऐसा पकड़ लो पूरा का पूरा रोड जो है, देखो ये रोड मैंने पूरा का पूरा उठा दिया, तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा रोड उठा दिया और कार तो मेरी कैसी जा रही है, आप समझ लो ना, कार तो ऐसे ट्रैवल ऐसे घूमेगी,
सर नहीं समझा मेरे को। ओके तुमको तुझे पिछले बार समझा था क्या? नहीं सर। एक मिनट, पहले मुझे एक बात बताओ, पहले तुम मुझे बताओ जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, गाइस यहाँ पे देखो, जो मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ये समझ में आ रहा है ये क्या मैंने ड्रॉ किया? यहाँ पे कार मुझे बता हर्षल, यहाँ पे मुझे बता कार है मास एम का कहाँ पे आ रहा है, पेज के बाहर पेज के मतलब कहाँ पे जा रहा है, इधर घुस रहा है कहाँ पे जा रहा है? हर्षल हेलो सर। हाँ ये पेज, ये मास कहाँ पे जा रहा है, पेज के कहाँ पे जा रहा है? सर कोई फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है तो स्टेशनरी रहेगा ना। नहीं पहले मुझे बता ये मास में मतलब ये सर्कल कैसे मार रहा है? मतलब सर नहीं समझा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अरे क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो मास एम है ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है? पेज के अंदर जा रहा है, मतलब ऐसे करके सर्कल मार रहा है, इतना समझ में आ रहा है? ओके हाँ सर, हाँ सर। मतलब कौन सा व्यू है, साइड व्यू है ना? यस सर। मतलब गाड़ी तुम्हारे मतलब ऐसा पकड़ लो पेज के बाहर आ रही है गाड़ी, मतलब पेज के बाहर आके, पेज के बाहर आके ऐसे टर्न मार के अंदर घुस रही है। यस सर। ठीक है तो अब पहले तो मुझे बताओ इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा तो एमजी नीचे है और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे है? ऊपर। ऊपर तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन है क्या, मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स है क्या? यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं ना, मैंने क्या बोला था? म्यू की वैल्यू क्या लेनी? जीरो। तो म्यू की वैल्यू जीरो लेंगे तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन है क्या? नो सर। तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो फ्रिक्शन राइट? तो फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ? मुझे तो यहाँ पे फ्रिक्शन था ही नहीं तो क्या हुआ? ये कभी कभी सर्कल में मार सकता है क्या? नहीं सर। तो ये कहाँ पे आएगा, सीधा तुम्हारे तरफ ही आते जाएगा? स्ट्रेट। यस सर, स्ट्रेट आएगा, बराबर स्ट्रेट आएगा। अब मैं क्या करता हूँ इसको ना सर्कल में घुमाने के लिए, तो क्या होता है टूवर्ड सेंटर, जब जब आदमी सर्कुलर मोशन करता है तो टूवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन आता है। यस। टूवर्ड मोशन करता है तो टूवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन आता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाय क्या होती है? वी स्क्वायर बाय आर। ये एक्सेलरेशन देने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, वो फिर फोर्स कोई भी हो चलेगा, कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। ठीक है तो पता है वो फोर्स कैसे करेंगे, उस फोर्स को लाने के लिए मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने ये समझ मैंने इस पूरे रोड को उठा दिया ऐसे थोड़ा सा, पूरे रोड को, जो पूरा रोड अपना स्ट्रेट था ना, तू जो रोड में घूम रहा है तो उसका एक साइड जस्ट लाइक अ फनल राइट, फनल जैसा कर दिया, फनल टाइप, फनल टाइप कर दिया। अब ऐसा पकड़ ले एक, मैंने क्या कर दिया एक फनल टाइप कर दिया, ऐसा पकड़ ले एक फनल ले ले। चल एक काम करो, सबको सबके दिमाग में फनल है, फनल। हेलो सर। हां सर। ये 2D व्यू है ना? हां ये 2D व्यू है ना, ऑब्वियसली 3D व्यू बना सकता हूं क्या मैं? ठीक है तुम एक काम करो, चलो एक 2D व्यू बना देते हैं फनल का, समझ रहे हैं? फनल समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। ये वाला ऐसा फनल होता है ना, ये ऐसा फनल है, समझ में आ रहा है? अभी अब इस फनल के ऊपर एक मास एम रखो और इस मास एम को ऐसा घुमाओ ऐसे से, अभी फनल के अंदर ऐसे सर्कल में घुमाओ। अब मुझे तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में, सेंटर में। अब वो सब हाँ सेंटर में, सेंटर मतलब इधर बीच में। अब मुझे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे आएगा, टुवर्ड्स कहाँ पे आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर तो मुझे होता एक एक्सिस कौन सी होगी इसमें, एक एक्सिस कौन सी होगी? ये मेरी एक्सिस हो गई, देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मेरी एक्सिस ये हो गई, दूसरी मेरी एक्सिस कौन सी हुई उसके परपेंडिकुलर, समझ में आया? तो ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, ये होगी मेरी वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी में कौन से फोर्स आएंगे? नॉर्मल ग्रेविटेशनल और ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं नॉर्मल को मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो नॉर्मल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, mg मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्या फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? अभी तो टुवर्ड्स सेंटर कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल एंड ग्रेविटी है ना? यस सर। और कौन सा फोर्स है बे? और कौन सा फोर्स है बचपन में अभी तक क्या पढ़ा है मैंने, नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, नॉर्मल ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ जो था, मेरा एक्सिस कौन सा है, मेरा एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ये है ना, मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट तो मुझे होता एन है, तो ये एन के कितने कंपोनेंट आएंगे बुझा मुझे, एन क्या
देखो मैंने यहाँ पे एमजी का कंपोनेंट नहीं लिया है, किसका कंपोनेंट लिया है मैंने? नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट, नॉर्मल फोर्स का लिया मैंने, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे है। मैंने स्टेप क्या था, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ और फिर सारे फोर्सेस को ड्रॉ करो। एफबीडी तो सेम ही ड्रॉ कर रहे हैं ना अपन। अब मुझे बताओ यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं तो सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और एक्सेलरेशन एन साइन थीटा, ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन देगा। ये देखो मेरे सर्कल जो की है, यस सर, तो एफ क्या है, एन साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है, वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है? यस सर। एफ इज इक्वल टू एम ए, और मुझे बताओ एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई? एम जी, एम जी डिवाइड करो तो टेन थीटा कितना आया, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो मेरा फॉर्मूला, मेरा एक फॉर्मूला और बन गया ना, ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली नीट में काम में आता है, नीट में एनसीईटी में। समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितने, किसके बराबर आई, बी स्क्वायर बाय किसके बराबर आई, आर जी, आर जी, खत्म बात। तो मुझे बताओ इसमें कहीं भी फ्रिक्शन लगा क्या मुझे सर्कल करने के लिए? नो सर। तो बिन देखो ना, बिना फ्रिक्शन के मैं, बिना फ्रिक्शन के मैं आराम से घूम रहा हूँ, देखो ना, नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे? जीरो, जीरो, तुम्हारा फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज जीरो, काम खत्म हो गया तुम्हारा। समझ में? तो मुझे बताओ मतलब बिना, जैसे मैंने बोला था ना, राफेल ने अपने टायर, गाड़ी के टायर चेंज नहीं किए, उसके बाद भी राफेल की गाड़ी क्या कर सकती है, सर्कुलर मोशन कर सकती है बिना फ्रिक्शन के। बस आपको रोड को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की मेहरबानी, करना पड़ेगा बैंक, करना पड़ेगा एंगल थीटा से, टिल्ट करना पड़ेगा। इसीलिए घाट में सही बोला, घाट में जो जो रोड होते हैं वो थोड़े से क्या होते, उठे हुए, इंक्लाइंड होते हैं थोड़े से, हाँ थोड़े से इंक्लाइन होते गाइस, थोड़े से इंक्लाइन होते। समझ में आया? यस सर। अभी थोड़ा सा रिवाइज हुआ है। हाँ बोलो सर। एनएलएम और फ्रिक्शन में हम इक्वेशन ऐड करते थे, तो इधर हम क्यों डिवाइड करते? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये मैथ्स है, डिवाइड क्यों करते, क्योंकि मैथ्स मैथ्स है ना। ओके तू मुझे बता, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या डालेगा तू, mg / cos थीटा डालेगा इसमें? आंसर सेम ही आएगा ना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूं गाइस, तुमको सॉल्व करना ठीक है ना। तुम क्या करते हैं, एन को क्या लिखोगे, तुम एन को क्या लिखोगे, mg डिवाइड बाय क्या, इक्वेशन नंबर 2 cos थीटा, वो इसमें डाल दो, सेम ही तो आएगा आंसर। यस सर। उससे अच्छा उसको फास्ट सॉल्व करने के लिए नीचे लिखने का, डिवाइड करेंगे तो एन एन कट हो जाएगा ना यहाँ पे। समझे सर, समझे। हाँ तो वो मैथ्स का काम है यार, मैं मतलब जो इक्वेशन लिखना फिजिक्स से, सॉल्व करना मैथ्स से भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाओ मैथ्स। सर, सर अपने वेलोसिटी मैक्स निकालने का फॉर्मूला म्यू आर जी रूट अंडर रूट बताया, तो हम उसी से वेलोसिटी मिनिमम भी निकाल सकते हैं ना? रुक, वो वेलोसिटी मिनिमम मैक्सिमम के लिए अलग है, वो वैसा नहीं है। ओके okay. तो पहले ये हेलो सर। हाँ बोलो सर, आज आपने जो टेस्ट दिया था उसका लेवल कैसा था, मतलब सर्कुलर मोशन का? सो क्यों, बहुत इजी था सर, बोले हां तो ठीक है ना, तो अच्छी बात है। अब संडे को टेस्ट होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन के ऊपर, वो देखो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर्कुलर मोशन। डरा मत सर। नहीं नहीं, इस संडे का जो, देखो संडे का जो टेस्ट है गाइस, देखो यहाँ पे वापस बोल के रख रहा हूँ, संडे का टेस्ट तुम्हारा फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन दोनों के ऊपर का टेस्ट है, ठीक है, फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर मोशन, ठीक है, वीकली टेस्ट, ठीक है। आपके हमेशा दो टेस्ट होते रहेंगे, एक वीकली, एक अपना डैट, और डैट का भी अभी आतिश सर ने बताया होगा ना आपको, नहीं मतलब कुछ कुछ लोग के ऊपर हुआ है, ठीक है, रोज 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 वाला भी टेस्ट होगा अभी, मतलब रोज। तो आपके मंडे एंड फ्राइडे दो डैट होंगे और संडे को वीकली होगा, मतलब तीन टेस्ट होंगे, फिजिक्स के तीन, केमिस्ट्री के तीन, मैथ्स के, तो नौ टेस्ट हो जाएंगे आपके। चलो पहले सर, बाकी सब्जेक्ट के कब होंगे सर वैट? अब बाकी सब सब्जेक्ट का भी अभी होगा, क्योंकि पहले बायो के नहीं हो रहे सर। हाँ क्या बोल रहे हैं, बायो के
हाँ बायो का अभी वो बात चल रही है, ठीक है। पहले कैसा होता है ना, सबसे फिजिक्स सबसे टफ होती है, ठीक है, समझने के लिए। तो इसलिए पहले हम लोग फिजिक्स के ऊपर कब्जा जमाते हैं। फिजिक्स के ऊपर कब्जा नहीं जमाओगे तो आपका केमिस्ट्री के ऊपर भी और किसके ऊपर मतलब वो नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो अभी अभी हो जाएंगे, अभी सारे वीकली टेस्ट हमारे हो जाएंगे, सारे वीकली टेस्ट मतलब वो पूरा वीक में, मतलब संडे तुम्हारी फिर तुम्हारा बर्बादी हो, समझ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये पहले समझ में आया तुमको, हाँ सर, ठीक है। उसके बाद थर्ड, मेरा थर्ड क्या क्या था, थर्ड का क्या था बताओ। हाँ कॉनिकल पेंडुलम। मैंने मैंने क्या किया था, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में मैंने क्या किया था, एक ऐसा छोटा सा चीज पकड़ी थी हाथ में और ऐसे ऐसे करके घुमा रहा था मैं। जब मैं उसको घुमा रहा था तो मुझे बताओ कि ये जो घुमा रहा था तो ये जो मास एम था ये कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में सर। हाँ हाँ लेकिन कैसे, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये ऐसा 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 घूमता रहता, तुमने देखा होगा बराबर। तो मुझे बताओ ये जो मास है इसका सर्कुलर मोशन, इसका सेंटर कहाँ पे, इस मास का सेंटर कहाँ पे, इधर है ना, मतलब सॉरी सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे, इधर है। तो ये सेंटर इधर होगा, और सपोज मैंने बोला कि ये एंगल कुछ थीटा नॉट होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, सेंटर फाइंड आउट करूंगा, फिर एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। तो मेरा तो इतना तो कंफर्म आ गया, मुझे एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, कितना है उसका वैल्यू, वी स्क्वायर बाय बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो इस एफबीडी में टेंशन कहां पे आएगा, इधर। तो नहीं, पहले एफबीडी के बनाने के पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मेरा ये हो गया पहले एक्सेलरेशन सेंटर के। तो हमेशा ना जो एक्सेलरेशन है वहां पे एक्सिस बना ही देने की, तो ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, ये क्या होगी मेरी वाई वाई एक्सिस। फिर एक्सिस सारे फोर्सेस को ड्रॉ करो, ऊपर आएगा यहाँ पे टेंशन टी, ठीक है, इधर आएगा कौन सा ग्रेविटी थीटा एम जी। अब ये टी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो नॉट मुझे तो टेंशन के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे बताओ मुझे, दो दो कौन सा टी, टी क्या कॉस टी कॉस टी थीटा कॉस थीटा थीटा और नॉट टी साइन नॉट, थीटा। टी साइन थीटा नॉट, काम हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत है, नो टेंशन का सर, कोई काम है नहीं। अब मुझे बताओ f इक्वल टू एम अलोंग x एंड y एक्सिस लगाओगे तो t साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m एमवी स्क्वायर एमवी बाय आर, स्क्वायर बाय आर, स्क्वायर बाय r, और t cos थीटा एमजी सर, एमजी mg। फिर दोनों को एमजी क्या करने का, सॉल्व करने के लिए डिवाइड, डिवाइड थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाय क्या आ जाएगी, rg। आर आरजी टाइप का इक्वेशन बना ना, देखो ना सेम टाइप का इक्वेशन बना, ये भी सेम है ये भी सेम है। आपको पता है इस इक्वेशन को आप अच्छे से लिखते हो तो v की वैल्यू क्या मिलती है, आर जी टेन थीटा का रूट, यस यस सर, सर। मुझे बताओ ऊपर जो मिला था मुझे क्या मिला था, आर म्यू इंटू आर जी। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला मिला मिला था मुझे वी इज इक्वल टू म्यू, मतलब आर जी इंटू म्यू मिला था, और यहाँ पे क्या मिला था, आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पे म्यू इज रिप्लेस बाय क्या हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन, तो टेन थीटा सर, टेन फिक्सिंग का थीटा, काम कौन कर रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग कर रहा है ना। हाँ सर, तो ये पहले हो गया, इधर देखो ये कुछ एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। फॉर्मूला सेम आ रहा है लेकिन कंसेप्ट पूरा का पूरा अलग है, कोनिकल पेंडुलम पूरा कंसेप्ट अलग है। ये फॉर्मूला वापस इसमें नीट अनसीटी में डायरेक्टली कभी कभी काम में आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आज एडवांस वाला चीज भी बताऊंगा मैं आफ्टर द ब्रेक, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद मैं आपको कुछ कुछ अच्छी चीजें भी कराऊंगा आज सर्कुलर मोशन की, ठीक है। पहले इतना समझ में आया तुमको, हाँ सर, यस सर, अपन ने पिछले बार किया था सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ सर्कुलर मोशन का वो पार्ट खत्म, मतलब मोस्टली सिर्फ क्वेश्चंस बाकी रहेंगे, मतलब क्वेश्चन मतलब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सिंपल पेंडुलम। गाइस जो मैंने पहले पढ़ाया था वो पढ़ाया था कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मुझे कल टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। सिंपल पेंडुलम नाम के लिए सिंपल है लेकिन वो कोनिकल से डिफिकल्ट है। देखो कैसे डिफिकल्ट मतलब इजी है, अभी पहले कुछ सोचो मत, मुझे तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले वो बताओ, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। एक ऐसा एक चीज ऐसे लटका है, मास लटका है ऐसे 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 टू एंड ऐसे, फ्रो हाँ मोमेंट, टू एंड फ्रो मोमेंट, हाँ तो टू एंड फ्रो मोमेंट वगैरह होता है, मतलब मैंने क्या किया एक मास को ऐसे लटकाया और इस मास को यहां पे लेके आके छोड़ दिया, तो मास क्या करेगा बताओ, ये मास क्या करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉब, बॉब ठीक है। ऑसिलेशन करेगा, हाँ तो ये बॉब जो है वो बॉब ऐसे 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 घूमता रहेगा,
अब जब ऐसे घूमता रहेगा, देखो यहाँ पे, तो मुझे बताओ ये इसका ये पूरा सर्कल है क्या, इसमें पूरा सर्कल दिख रहा है तुमको? नो सर, नो सर भाई, इसमें सर्कल नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो पार्ट है वो सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है ना, आर्क है सर। छोटे से पार्ट के लिए भी तो मुझे बताओ ये तो सर्कुलर मोशन कैसे इसमें लगने वाला है? यस सर, ये भी पार्ट ऑफ द सर्कल होगा तभी भी वो सर्कुलर मोशन होगा ना उस इंस्टेंट के लिए गाइस। यस सर, समझ में? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मास यहाँ पे आएगा, जब ये एकदम इधर आएगा तो मुझे पता इसका स्पीड हो गया वी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। इसका स्पीड क्या हो गया? वी। ठीक है, मैंने ऐसा बोला, लेट्स से बी नॉट पकड़ते, चलो। तो मैंने बोला जब ये एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो बोला टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, तो मुझे पहले तो बताओ कि ये होगी स्ट्रिंग, ठीक है? तो मुझे एफबीडी क्या होगा, चलो एफबीडी बताओ, चलो एफबीडी बताओ क्या होगा, सेंटर कहाँ पे, पहले क्या फाइंड आउट करने का? सेंटर, सेंटर ये होगी इसकी लेंथ, ठीक है? तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, टूवर्ड कहाँ पे होगा? जो पता है वो लिख देते हैं ना, एक्सेलरेशन लिख देते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाय क्या लिखते हैं, आर, मतलब यहाँ पे लेंथ एल है, राइट? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दो एक्सिस बनाऊंगा, एक एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई, और दूसरी एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाली, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एफबीडी कहाँ कहाँ पे, एफबीडी कौन से जाएंगे बताओ मुझे, टेंशन टी कहाँ पे होगा, ऊपर, पर एमजी का नीचे, मुझे तो इस बस और कोई फोर्स है क्या? नो सर। तो मुझे बताओ एफबीडी को देख के मुझे बताओ इक्वेशन क्या आएगा, व्हाट इज एफ इज इक्वल टू, मैंने बोला कि एफ इज इक्वल टू एमए का इक्वेशन दिखो यहाँ पे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन दिखो, क्या लिखोगे? इज इक्वल टू एमजी, टी माइनस एमजी इज, भाई टी माइनस एमजी ना, टी माइनस एमजी भाई, एक्सेलरेशन है ना ऊपर, तो टी इज इक्वल टू एमजी लिखोगे क्या इसमें? नो सर। क्या लिखेंगे फिर? टी माइनस इनिशियल पोजीशन है ना, तो उसमें तो रेस्ट में होगा। नहीं नहीं नहीं, ये इनिशियल मैंने यहां से छोड़ दिया, तो सपोज ऐसा ऐसा करके मैं ऐसा बोलते कि यहां पे कोई मास वेलोसिटी है, हां तो अब या ठीक है, तो टी माइनस एमजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय क्या होगा, L. L. तो मुझे बताओ इसमें टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। गाइस मैंने एक और सिचुएशन दी, ठीक है, ये आपको बाद में लिखना है, आपको लिखना है, मैंने और एक सिचुएशन दी, सुनो। मैंने एक और सिचुएशन दी कि लेट्स से ये बॉब घूम रहा था, कुछ एंगल थीटा किया, ठीक है, एक कंडीशन है, लेट्स से बॉब घूम रहा था, या कुछ मैंने एंगल, कुछ एंगल थीटा पे जब आया, कुछ एंगल थीटा पे है, और लेकिन इस एंगल थीटा पे भी इसका स्पीड है, देखो इसका स्पीड जीरो है क्या यहाँ पे अभी? नो सर, नो सर, कुछ ना कुछ है। तो अब बोला कि इस कंडीशन में इधर टेंशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा बीटा जो भी होगा, तो मुझे बताओ पहले क्या लिखेंगे, पहले बताओ मुझे पहले क्या फाइंड आउट करने का? सेंटर सर, सेंटर, सेंटर क्या लिखने का? एक्सेलरेशन, विच इज वी स्क्वायर बाय क्या होगा? एल, एल। फिर मैं क्या, फिर मैं क्या करूंगा, एक क्या बनाऊंगा, एक्सिस बनाऊंगा, ये एक्सिस होगी एक, सर स्क्रीन पॉज हो गई, ये एक्सिस हो गई, स्क्रीन पॉज हो गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा, हां अब दिखा, हां सर अब दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, हां बड़ा आ गया, आ गया, आ गया, हां सर ये आ गया। तो मुझे मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? टेंशन माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय, हां राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने एक्स एक्सिस बना दी या वाई एक्सिस बना दी, किसी को भी एक्स एंड वाई बोलो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने पहले अपना ये बना दिया, ये टेंशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एमजी कहाँ पे होगा? नीचे, नीचे। एंगल थीटा नॉट कहाँ पे होगा? मतलब एंगल थीटा इधर होगा, तो अब मुझे होता किसका ये बनेगा, टेंशन का मैं करूंगा एमजी का करूंगा? एमजी का, एमजी का दिख रहा है ना, एमजी का भाई, तो ये यहाँ पे एमजी का कंपोनेंट कर दिया मैंने, एमजी कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो ये एक कंपोनेंट भी आएगा, कौन सा? एमजी साइन थीटा, तो एमजी मेरा कुछ मतलब कुछ काम करनी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से अलोंग वाई एक्सिस जो इक्वेशन है उसके हिसाब से एफबीडी क्या आएगा बताओ? इक्वेशन क्या आएगा? T माइनस mg cos थीटा
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हां m v स्क्वायर बाय l, तो मुझे तक की वैल्यू कितनी है m v स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा, कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ इसमें, mg cos थीटा, तो नहीं थोड़ा सरका थोड़ा सरका नहीं दिख रहा क्या क्या तुमको ये समझ में आएगा पहले बताओ लेकिन एक क्वेश्चन है टेंजेंट सो टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो हियर सो नहीं 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 यहां पे मैं यही बताने वाला हूं दिस इज सिंपल पेंडुलम बट यहां पे मुझे बताओ अभी अलोंग टेंजेंट कोई फोर्स बच रहा है कि नहीं बच रहा बच रहा है ना देखो बच रहा है वो कितना है यहां पे mg sin थीटा तो ये जो mg sin थीटा फोर्स है वो इसको एक टेंजेंशियल क्या देगा आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है जी साइन मतलब नहीं जी साइन थीटा लिखेंगे ना अपन ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा टू तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी क्या हो जाएगी साइन थीटा तो मुझे बताओ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आया रेडियल एक्सेलरेशन भी आया तो कौन सा मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गाइस ध्यान में रखना सीएम ठीक है सिंपल पेंडुलम नाम सिंपल है लेकिन मोशन कौन सा नॉन यूनिफॉर्म तो ध्यान में रखना ये दोनों चीजें लिख दो चलो दोनों चीजें लिख दो दृश्य तूने हैंड रेज किया कुछ डाउट है अथर्व अर्नव हैंड डाउन कर लो ठीक है सर मुझे बोल रहा था कि सर कभी कभी आप जब बोल रहे रहते हो ना तो लाइक दूसरे स्टूडेंट्स अनम्यूट करके बोलते तो कभी कभी सुनाई नहीं देता क्या बोल रहा ठीक है गाइस जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो पीछे से बोलो मत जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूंगा तभी बोलना है थैंक यू सर ओके सर एक डाउट है हाँ बोलो सर अगर सेकंड केस में अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना मतलब वो देखो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई जो कि एक्सट्रीम होगी एक्सट्रीम में यस सर तो वो अभी क्वेश्चन मैंने दिए हुए ना मैंने आपको जो एचएम में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हां सर मैं सॉल्व करेंगे अपन वो सब सर okay, वो हम लोग को होमवर्क कोऑर्डिनेटर को सबमिट करना है ना हां सर ठीक है तुम पहले ये कर लो सब फटाफट लिखो लिखा तुमने पहले यस सर हो गया ठीक है सर रुको थोड़ी देर हां लिख करो करो तुम करो तब तक मैं अभी अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ठीक है मैं और एक क्वेश्चन एक केस दूंगा ठीक है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है
हाँ कार्तिक तूने हैंड रेस किए? कार्तिक गाइस आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? गाइस यहाँ पे देख लो सर, 5 मिनट नहीं हो गया ना, लिख के हो गया ना अभी तो एक काम करो, पहले क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन जो है ये पहले अभी अपन सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है? डन हो गए? चलो अभी एच वर्मा, सब लोग एच वर्मा खोलो अपना सर्कुलर मोशन, सर पांचवी केस देने वाले थे ना? हाँ क्या देने वाले थे? फिफ्थ केस? हाँ नहीं अभी वो क्वेश्चन के बाद कराऊंगा मैं, थोड़े से एडवांस वाले केसेस है वो, बाद में पहले करा, तो पहले ये वाला देख लो। आज ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में मैं, गाइस अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, जो अपनी टेस्ट हुई थी ना पिछले संडे को और इस संडे को, ये दोनों टेस्ट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का पार्ट जो भी बचा रहेगा, मतलब छोटा मोटा मैं थोड़ा सा एडवांस का पार्ट रखूंगा एक दो चीजें वो, ठीक है? तो अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन प्लस टेस्ट सॉल्विंग पूरी खत्म हो जाएगी अपनी, ठीक है? यस सर। चलो अब एक काम करो, चलो क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन करो अब, थोड़ा सा आपको खुद को मतलब आ चुका है राइट, तो एक मिनट क्वेश्चन नंबर जो मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन नंबर करो, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देखो, मतलब हर एक को एक एक दो दो मिनट देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन को तो एक मिनट देखना है, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
रुको गाइस एक मिनट रुको सर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब फ्रिक्शन क्या यस सर अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मैं नहीं सुना दे रहा ओके सॉरी सॉरी म्यूट किया था मैंने हाँ स्कूटर वेइंग कितना है 150 केजी टुगेदर विद द राइडर मूविंग एट अ कितना स्पीड इसका स्पीड कितना है वी की वैल्यू कितनी किलोमीटर पर सेकंड हां तो मुझे बताओ कितना मीटर पर 10 सेकंड इनटू 5 बाय 18 ना तो 10 मीटर पर सेकंड ठीक है तो 10 मीटर पर सेकंड ठीक है तो सुनो अभी ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ठीक है एंड टर्निंग एट अ रेडियस ऑफ अब ये सेंटर है तो इसका जो रेडियस है ये रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 30 मीटर Now, what horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? अब सिंपल सी बात है यार ये टर्न जो है मतलब ये फोर्स कुछ भी हो सकता है फ्रिक्शन हो सकता है बैंक किया होगा तो नॉर्मल फोर्स हो सकता है अपने कोई लेना देना नहीं उससे लेकिन ये जितना जो भी फोर्स होगा तो वो फोर्स कितना है तो हम लोग क्या करेंगे F is equal to क्या करेंगे एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है वी स्क्वायर बाय आर 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 हम लोग क्या लिखेंगे मेरा जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो है एम वी स्क्वायर बाय आर अब m की वैल्यू है 150, v की वैल्यू है 10 स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस 30 समझ में आ रहा आंसर तुमको यस सर यस सर ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या था क्वेश्चन नंबर 5 देखो पढ़ो फटाफट मैं 2 मिनट दे रहा हूं वापस पढ़ने को सेम है सर क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया वो कर लो तुम हाँ बोलो RPM का फुल फॉर्म क्या है सर RPM होता है RPM होता है रिवोल्यूशन पर मिनट रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब एक रिवोल्यूशन एक मिनट में तो मैंने बोला था ना वन रिवोल्यूशन पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है तुमको बोला था 5/30 2π/16 तो 5/30 से वो करना है वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के हो गया आपका यस नाउ इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीड फॉर दिस टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम अब ये प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में ये कौन दे रहा था अभी फ्रिक्शन दे रहा था लेट्स से बराबर ना अब नाउ देयर इज नो फ्रिक्शन नाउ इफ इट इज इट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट एंगल ऑफ बैंकिंग तो कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होगा फॉर्मूला याद करो ना tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी बी स्क्वायर बाय आर जी वी पता है आर पता है जी पता है डायरेक्टली निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल ऑफ बैंकिंग हो जाएगी मुझे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो क्या है सेम है देखो ना क्वेश्चन नंबर 6 देखो यस यस सर अ पार्क हैज अ रेडियस मतलब रेडियस आर दिया है देखो यहाँ पे रेडियस आर दिया है कितना 10 मीटर इफ द व्हीकल गोज विद द कितना स्पीड 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 18 किलोमीटर हां 5 मीटर पर सेकंड आर 10 मीटर है ठीक है जी तो अपने को 10 लेना है तो अब मुझे बोला है फाइंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग तो फाइनली यही करोगे वी दिया आर दिया जी दिया वी स्क्वायर बाय आर जी टेंशन मिल जाएगा हां सर कोई पंगा है क्या बताओ मुझे नो सर ठीक है अब एक काम करो ठीक है अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड है गाइस ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड है
तो पहले तुमको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो पहले करना है, फिर उसका बाद में देखना है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, ठीक है गाइस? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? वो बाद में देख लेंगे, पहले तुम ये कर लो, ठीक है? तो पहले तुम 14, 10 एंड 16 को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, कितना सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? मैं डायरेक्टली सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो लेकिन 5 मिनट आप पहले ट्राई मारोगे, ठीक है? एटलीस्ट इक्वेशन लिखोगे। चलो 14, मुझे 10 का आंसर, मतलब 14 थोड़ा सा देखो कैसे करना है वो, उसका मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा ये रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा। इक्वेशन लिखो, 10 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन, ये मुझे आपको करके दिखाना है। 5 मिनट लो, फटाफट करो, बताओ मुझे। सर स्क्रीन को मिनिमाइज करो ना। चलो करो। सर अभी सिर्फ 10 और 16 करना है ना? नहीं, 14 भी कर दो। 14 हाँ, ओके सर। किसको भी पूछूंगा कैसे करना है, तो सब लोगों ने ट्राई मारना है, तीनों दिन क्वेश्चन, सबके लिए 2-2 मिनट लो, इसलिए 5-6 मिनट दिया हुआ है। जिसका 10 एंड 16 ये दोनों क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो लोग डन लिखोगे, डन, ठीक है, डन करके लिखोगे, 10 डन 16 डन ऐसा करके लिखोगे चैट पे।
गाइस मुझे सिर्फ दो ही लोग का आया डन करके लिख के, बाकी लोग भी करो जरा, लिखो जरा जिनका हुआ है, मैं और दो तीन मिनट दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, ट्राई मार लिया, बता दो अभी मैं क्वेश्चन। यस सर। वेट सर। हेलो सर। हाँ बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि क्या करोगे? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? आपको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब एक काम करते, पहले क्वेश्चन नंबर ना 14 पे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पहले खोलो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो मतलब जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सो देयर इज अ बॉब, अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सो देयर इज अ बॉब व्हिच इज ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब कितना होता है? पॉइंट वन केजी सर। एंड इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। विद द स्पीड कितना? इसका जो स्पीड है, द लोएस्ट पॉइंट कितना है वो? 1.4 मीटर पर सेकंड एट द लोएस्ट पॉइंट। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या करोगे? सेम यार, सेम क्वेश्चन था। टेंशन टी ऊपर, एमजी नीचे। एमजी नीचे मतलब कितना? 0.1 × 10 कितना हुआ? 1। और एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स कहां पे होगा? एक्सेलेरेशन फार्मूला से करेंगे सेंटर। तो 1.4 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? 1। तो क्या होगा? T माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? M इक्वल्स टू 1.96। 0.1 इनटू 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, बस इससे टेंशन तुम्हारा मिल जाएगा। तुमको दिक्कत है कोई इसमें? मतलब वो सॉल्व नो सर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 होने के बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक मिनट, में जिसको बोलूंगा वही करेगा सर, बताएगा मुझे। बोलो सर। सर ये 14 क्वेश्चन को हम फॉर्मूला वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं ना?
फॉर्मूला नहीं लगाना है ना यार, तो मेथड अभी मेथड समझ में आया तुमको, फॉर्मूला नहीं लगाना है, एमजी प्लस एमवी स्क्वायर बाय आर का कोई फॉर्मूला नहीं होता गाइस। नहीं सर, ये आपने बोला था ना सर, टी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर प्लस एमजी, वो लगा सकते नहीं? हां तो फॉर्मूला नहीं बताया था वो, तो मैंने एक ऐसी जनरल केस बताया था। ठीक है सर, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब मुझे तो 10 अ स्टोन इज, अब स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्टोन मतलब स्टोन मास एम का होगा, और वो ना मतलब देखो वो जो स्ट्रिंग को ऐसा लगाया मैंने, रेडियस आर मतलब लेंथ इसका आर है, और ऐसे करके घुमा रहा है वो। अब तुम समझ रहे हो कैसे घुमा रहा है? यस सर। आपको पता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। पूरा गोल। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा घूम रहा है ना ऊपर। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल मतलब एक ऐसा ऐसा पकड़ लो आपके स्ट्रिंग, हाँ। एक हाथ में पकड़ लो और वर्टिकल में सर्कल कर रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा, अपन बात किसकी कर रहे हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट की। जब ये मास एम यहाँ पे आ गया घूमते घूमते, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है, ये मास घूमते घूमते कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया, तो ऊपर इसका स्पीड क्या होगा? कुछ वी होगा। ठीक है, तो मुझे बता जो ऊपर वाले पॉइंट में, तो उधर क्या बोला है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो मुझे एक बात बताओ, जब इधर रहेगा तो पहले तो मुझे तो सेंटर कहाँ पे, सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे, पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? सेंटर। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद क्या करते बताओ? सेंटर फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं? रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन, तो रेडियल एक्सीलरेशन मतलब क्या? मेरा एक एक्सिस तो कौन सी हो गई? ये हो गई वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस कौन सी हो गई? हां ये हो गई। तो लेट्स से मैंने एक एक्सिस बना दी, एक मैंने वाई एक्सिस बना दी, अब मुझे तो मेरा एक्सीलरेशन कहां पे? टुवर्ड्स कहां पे? टुवर्ड्स सेंटर सर। टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर है मेरा एक्सीलरेशन, टुवर्ड्स सेंटर है। कितना है वो? v स्क्वायर बाय क्या है? v स्क्वायर बाय r। मुझे बताओ इसका fbd क्या क्या है, कौन सा फोर्स रहेगा इसके fbd में? mg और रेडियल एक्सीलरेशन। mg नीचे, और कौन सा, और क्या क्या नीचे? टेंशन। टेंशन भी नीचे, तो टेंशन भी नीचे, mg भी नीचे, और एक्सेलरेशन भी कहाँ पे? नीचे ही है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितना है यहाँ पे? नेट फोर्स कितना है यहाँ पे? mg प्लस mg। हाँ, टेंशन प्लस mg, mg प्लस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज mv स्क्वायर बाय r। ये मेरा आ गया। अब इसमें कोई भी मिनिमम वगैरह का नहीं है। अब यहाँ पे पूछा क्या, देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है, मुझे पूछा है वी मिनिमम। मुझे बताओ मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ ये होगी मेरी राइट हैंड साइड और ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मुझे बताओ राइट हैंड साइड मुझे क्या पूछिए, वी की वैल्यू क्या पूछिए? मिनिमम। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए? मिनिमम। किसी ने बोला कि ये मी मिनिमम होगा, तो टेंशन को मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टेंशन की कौन सी वैल्यू? मिनिमम। मिनिमम। टेंशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? निगेटिव हो सकती है क्या? टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग टूट नहीं जाएगा, स्लैक हो जाएगा। आपने देखा स्ट्रिंग स्लैक हो गई, और वो मतलब इधर ना स्ट्रिंग जुड़ी हुई है ना, ऐसा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ही नहीं है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्लैक हो गई। और आपको पता है मतलब इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा पता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सर्कल नहीं जाएगा बिना स्ट्रिंग के। क्या करेगा भाई बिना स्ट्रिंग के? उसके पास स्पीड है, मैंने थ्रो किया, तो बिना स्पीड स्ट्रिंग नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करे तो क्या जाएगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा, मतलब टुवर्ड्स टेंजेंट, टुवर्ड टेंजेंट जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा, ग्रेविटी है। हाँ, तो उठता जाएगा। ऐसा पकड़ लो कि ये ऐसा मास यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे ऐसी वो हो गई, ढीली हो गई स्ट्रिंग, ढीली हो गई ना ऐसे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इनसे अलग नहीं हुआ भाई, तुम ऐसा पकड़ लो, घुमाते घुमाते कभी कभी ना थोड़ा सा कम स्पीड से घुमाओ, तो ऐसा होता है ना कि स्ट्रिंग पूरी की पूरी स्लैक हो जाती है और ऐसा गिरता है वो। सर डाउट है,
बोलो सुनो पहले पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो पहले देखो मुझे होता टेंशन जीरो गया तो एम तो इसमें वी की वैल्यू क्या मिल गई वी मिनिमम मास मास कट हो गया तो वी मिनिमम की वैल्यू कितनी आई रूट कितनी रूट आर जी ठीक है तो ये इसका आंसर है आपको समझ में आया तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी ये क्या रहेगा मिनिमम कितना रहेगा रूट जी आर समझ में आया यस सर बताओ अभी क्या डाउट है तुमको तो एक फॉर्मूला भी हो सकता है हाँ मतलब एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी मिनिमम रूट जी आर होती है सर तो फिर मैक्सिमम भी यही होना चाहिए बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ भी करके टेंशन तो जीरो से ज्यादा नहीं होगा ना टेंशन जीरो से ज्यादा होगा ना तो कैसे होगा जोर से घुमा तो एक काम कर स्ट्रिंग को जोरदार घुमा क्या होगा हाँ तो होगा राइट होगा ना तो कितना भी हो सकता है टेंशन ठीक है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जितनी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी उतना टेंशन जाएगा अपन ना बाद में वर्क पावर एनर्जी करके चैप्टर आएगा उसमें ये चीज पढ़ेंगे अपन वर्क एनर्जी पावर में ना हम स्ट्रिंग के बारे में वापस बात करेंगे तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर ना वापस आने वाला हूँ तब बाद में ठीक है मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करता ये समझ में आया तुमको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में हाँ सर क्वेश्चन नंबर 16 करो यशवी पूछ रही है कि इसको नोट करें हाँ नोट कर लो नहीं पहले पहले क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो फिर नोट करो साथ में क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं तब तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर एडवांस वाले मतलब थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट करने के लिए काम आ जाएगा एडवांस मतलब अच्छा वाला मतलब नीट का नीट के ऊपर लेवल वाला जेईई मेन ऊपर लेवल क्वेश्चन नंबर 16 बताओ क्या होगा क्या बोला है सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास एम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम मतलब क्या आपने कभी ना पेंडुलम देखा होगा ठीक है कभी पेंडुलम देखा तो पेंडुलम ऐसा ऐसा जाता है तो ये थीटा नॉट इसका मैक्सिमम जब मैक्सिमम जो जाएगा तो मुझे तो मैक्सिमम जाके वापस आएगा तो बॉब यहाँ पे वापस नीचे आने वाला है तो इसका मतलब इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया जीरो तो मैक्सिमम पे एम्पलीट्यूड पे जीरो होगा तो मुझे तो इस पॉइंट पे टेंशन पूछा है समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो अभी पहले क्या फाइंड आउट करना है पहले मैंने सेंटर फाइंड आउट किया हाँ क्या बोल रहे एम्पलीट्यूड और एक्सट्रीम पोजीशन का मीनिंग सेम हुआ ना सेम ही हुआ राइट एक्सट्रीम पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड दोनों का मतलब सेम ही हुआ ठीक है तो अब यहाँ पे देखो ये मास एम है इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो मुझे इसका एफबीडी क्या होगा पहले तो मुझे एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर कितना है रेडियल एक्सेलरेशन कितना है जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय आर तो आंसर कितना है जीरो भाई एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं इधर एक एक्सिस बना दू अब यहाँ पे देखो इधर एक एक्सिस बना दू ठीक है तो यहाँ पे आएगा मेरा टेंशन टी यहाँ पे आएगा मेरा एम जी ये एंगल आएगा थीटा नॉट तो अब मुझे तो एम जी कितने कंपोनेंट आएगा एमजी कितने कंपोनेंट आएगा एमजी क्या एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा एक मिनट गाइस एक कॉल आ गया कॉस थीटा एमजी साइन थीटा जी कॉस थीटा नॉट और यहाँ पे क्या जाएगा एमजी क्या साइन थीटा ठीक है तो ये तो कुछ काम नहीं है मुझे डायरेक्शन में साइन थीटा एक मिनट तो मुझे बताओ एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितना है एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है जीरो तो मेरे को टेंशन की वैल्यू कितने के बराबर आने वाली है टेंशन की वैल्यू कितने के बराबर एमजी कॉस थीटा सर एमजी कॉस थीटा क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है ना भाई ए की वैल्यू जीरो है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो है क्या नहीं नहीं है नो सर टेंजेंशियल जीरो टेंजेंशियल रहेगा और वो जी साइन थीटा रहेगा नहीं 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 तुमको समझ में आया अब तक जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया क्या यस सर ठीक है हां सर तो अब ये जो मैंने बताया ना मतलब सर्कुलर मोशन जो है ना वो उसका बेसिक पार्ट अपना खत्म हो चुका है बेसिक पार्ट मतलब अपना नॉर्मल जो अपन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में तो एक बेसिक पार्ट अपना खत्म हो चुका है अब थोड़ा सा अपन अच्छा वाला पार्ट करते हैं ठीक है अच्छा वाला पार्ट के लिए काम करते हैं
ओके कैन यू सॉल्व द 11th सम? ठीक है 11th सम भी कर लेते, चलो यार 11th सम करते हैं, फिर इसके बाद छोटा सा मैं एक ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद अपना थोड़ा सा अच्छा वाला पार्ट जाएगा और ब्रेक इस बार थोड़ा सा कम देंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर, क्वेश्चन पढ़ो पहले, 11th क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। आरपीएम मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। हेलो सर। हाँ बोलो बोल बोल। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है मुझे बताओ पहले। एक ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, बराबर ना, एक सीलिंग फैन है ओमेगा से घूम रहा है, उसके एकदम आउटर एज पे, इधर आउटर एज पे एक मास एम है, ठीक है, जो उसके साथ घूम रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मास है ये मैंने कौन सा व्यू निकाला, टॉप व्यू, समझ में? मतलब मुझे बताओ इसमें ग्रेविटी कहाँ पे होगी, ग्रेविटी कहाँ पे होगी इसके, इसमें तो अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन देगा कौन यार, एक ही फोर्स बचता है फ्रिक्शन भाई, और कौन देगा? समझ में आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें क्या नहीं समझा ना? मुझे एक बात बताओ, ये घूम रहा है तो नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा? नॉर्मल, देख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा? पेज के बाहर। ग्रेविटी कहाँ पे होगी? पेज के अंदर। अंदर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन इज इक्वल टू क्या होगा? एम जी। और फैन घूम रहा है, तो फैन घूम रहा है तो ये जो जब ये सर, ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बेसिकली, मास भी उसके साथ, तो फैन है, तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन आएगा जो कहां पे आएगा? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ, बस खत्म बात ना। तो यही तो फ्रिक्शन होगा, तो ये फ्रिक्शन ही होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। समझ में आ रहा है? ये ए लिख दिया मैंने, फोर्स जो होगा वो खुद फ्रिक्शन होगा। तो बस तुम्हारा आंसर आ गया, मास की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ओमेगा डाल दो, आर 60 डाल दो। पंगा क्या, कोई बताओ सर? आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हो? आर को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ आर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ये 60 सेंटीमीटर का पॉइंट 6 हो जाएगा, 1500 रिवॉल्यूशन में 1500 टू पाई बाय 60 ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। 1 ग्राम 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। तो अभी अभी आएगा ना आपको या नहीं आएगा? अभी भी आएगा सर, आएगा आएगा सर, करो ना, मतलब इतना तो कर ही सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11, सॉल्व करके आप खत्म करो। 11 अब एक काम करो, 350 तक ब्रेक कर लो। हेलो सर, ठीक है 350 पे मिलेंगे और थोड़ा सा अपन अभी जेई मेन प्लस एंड नीट प्लस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोल सर। अभी जो संडे का टेस्ट रहेगा वो फ्रिक्शन और एनएलएम, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन मिक्स रहेगा कि अलग अलग रहेगा टॉपिक वाइज? नहीं मिक्स रहेगा, सर्कुलर मोशन 70% रहेगा एंड 30% फ्रिक्शन रहेगा। अच्छा ओके सर, ठीक है चलो कर लो। यस।
नहीं आज स्टोरी नहीं, मंडे को स्टोरी बताएंगे, क्योंकि मैंने बोला दो लेक्चर के बाद तीसरे लेक्चर पे स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। सर हाँ बोलो सर, 16th क्वेश्चन के हिसाब से पेंडुलम का रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होने तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर एक्सट्रीम आएगा ना? तो ये सब भी पहले लॉजिक मत लगा, पहले अभी बाद में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर, स्क्रीन मिनिमाइज करो ना प्लीज। सर थोड़ा सा और नीचे करो ना, वो क्वेश्चन 11 नहीं दिख रहा। हाँ पहले जैसे किए थे वैसे। हाँ 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 ऐसे बस। 10th क्वेश्चन
गाइस चलो स्टार्ट करते वापस. हेलो सर. हाँ बोलो सर. आप 16 क्वेश्चन एक बार वापस बता सकते हो, मतलब 16 वाला. क्या नहीं समझ में आया सर? जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जब जाता है ना तभी. हाँ तो तभी क्या, एक बार रिकैप दो ना, मतलब कैसे सॉल्व करने का. तो एक्सट्रीम पोजीशन में गया, मतलब इस पोजीशन पे गया, तो एक्सट्रीम में वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो. जीरो. तो वेलोसिटी जीरो होती है तो मुझे होता है एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? जीरो. जीरो. क्यों? क्योंकि v स्क्वायर बाय r होता है ना. तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा टुवर्ड सेंटर. तो एक टेंशन है mg है, तो टेंशन एंड mg कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएगा ना. नहीं तो टेंशन माइनस mg कॉस्ट थीटा नॉट लिखती इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r लिखती ना. तो v जीरो है तो ये जीरो हो गया ना ये पूरा. तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? mg कॉस्ट थीटा नॉट. तो वही आंसर है ना. थैंक यू. वापस सॉल्व करो इसको, मतलब घर पे होमवर्क वापस सॉल्व करो, समझ रहे हो ना. मतलब ये इधर होने के बाद गाइस कैसे होता है कि हर एक को अपनी लेवल पता होती है कि हम लोग अपनी कितनी ग्रास्पिंग होती है क्लास में. देखो वैसे मैं भी, मेरा भी मतलब ऐसा एकदम, मेरा भी एकदम हाई फाई ऐसा ग्रास्पिंग नहीं था, मेरा भी एकदम मीडियोकर ग्रास्पिंग था. लेकिन जब मैं घर पे जाके उसको ही सेल्फ स्टडी करता था तो सेल्फ स्टडी से के बाद ही मेरे को हर एक चीज चमकती थी बहुत अच्छे से. ठीक है तो ये होता है. ठीक है साहिल तेरा जो क्वेश्चन का आंसर है मुझे समझ में आ रहा. तू म्यूट अनम्यूट करके पूछ. ओके माइक प्रॉब्लम. ठीक है तो बाद में कॉल करके अपन कर लेते हैं, कल बात कर ले, कल तेरे को बताता हूँ. इतना ध्यान में रखना कि ये ओमेगा है. नहीं नहीं मेरे को, क्योंकि अभी आगे का चीज पढ़ना है. अब वी एन ओमेगा का तेरे को डिफरेंस मतलब. ठीक है अभी पहले तो मुझे एक बात बता यहाँ पे. अभी जो मैंने अभी तक किया है सुनो यहाँ पे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है कोई अभी मैंने बोला था राफेल के गाड़ी की कंडीशन अपन ने ली थी, अपन ने रोड को बैंक किया था जैसे कि टनल फनल टाइप रिंग. मतलब मैं पहले इसके ऊपर ही जाता हूँ. देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये बेसिकली ऐसा वाला है. ठीक है और मैंने बोला ये एंगल थीटा है, इसका मास है सपोज एम. यहाँ पे देखो इसका मास जो है एग्जैक्टली मैंने एम रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है अब मुझे एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ. ठीक है ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो नहीं तो समझ में नहीं आएगा. अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैंने क्या बोला था मुझे बताओ, इसमें सपोज फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? टैन थीटा. जो होता सेंटर कहाँ पे होता? सेंटर यहाँ पे है. सेंटर की तरफ क्या होता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटर की तरफ होगी, वी स्क्वायर बाय क्या होगी? आर. ठीक है तो मैं सारे फोर्सेस को ड्रॉ करूं तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे हो जाएगा और एम जी कहाँ पे होगा? नीचे. ये मेरी एक एक्सिस हो गई. ठीक है ये मेरी दूसरी एक्सिस हो गई. अब इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया. अब मुझे एक सिंपल सा बात बताओ इस केस में, ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था? थीटा सर. क्योंकि ये तो एंगल भी थीटा था, याद है ना तुम्हें? ठीक है तो अब मैंने एन के कौन से कंपोनेंट डाले थे? जो n के मैंने कौन से कंपोनेंट डाले थे? मैंने n का ये कंपोनेंट डाला था, n हां n sin थीटा और ये sin थीटा n cos थीटा cos थीटा. ठीक है तो मेरा फर्स्ट केस था, मेरा फर्स्ट केस. मुझे एक बात बताओ, सपोज इस कान में फ्रिक्शन है उसके बाद भी सुनो, ये पर्टिकुलरली इस रेडियस पे मूव करता है, ये रेडियस है r. इस पर्टिकुलर रेडियस पे r पे मूव करता है, ये पर्टिकुलर एंगल थीटा है सपोज. ठीक है तो व्हेन दिस थीटा इज लेट्स से थीटा नॉट, तो मुझे तो फ्रिक्शन की जरूरत लगेगी क्या अपने को?
नो सर क्यों क्योंकि अपन क्या लिखते थे n sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब मैं लिखते थे ना n sin लाइक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r और n cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय r rg तो मैं ऐसा बोलूंगा ये जो वेलोसिटी निकालूंगा इस वेलोसिटी को मैं लिखता हूं v0 तो मुझे एक बात बताओ ये मेरा फर्स्ट केस है इसमें v0 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा इतनी है सपोज ठीक है v0 की वैल्यू मतलब ये जो स्पीड है ठीक है मैं यहां पे लिखता हूं इफ स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू एग्जैक्टली v0 ठीक है तो मुझे बताओ इफ v इज इक्वल टू v0 तो मुझे बताओ फ्रिक्शन की जरूरत लगी क्या इसमें नो सर देन फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड ना फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड लेकिन ऐसा हो सकता है कि कार के टायर में फ्रिक्शन भी है हो सकता है ना अरे जरूरी थोड़ी है कि जो अपन हां सर उत्तराखंड का कार था ना जिसमें फ्रिक्शन नहीं था यस भाई अपन तो अपने सेफ्टी के लिए तो भाई लगाएंगे ना मतलब कार में टायर में फ्रिक्शन तो लगाएंगे तो ये हो गई केस वन जो कि राफेल की केस थी ठीक है अपन अभी कौन सी केस लेते केस टू अब केस टू में ऐसा लेते यहाँ पे फ्रिक्शन है टायर में फ्रिक्शन है ठीक है तो अब मुझे तो टायर में सपोज फ्रिक्शन होगा और सपोज मतलब आपके कार में टायर में फ्रिक्शन होगा और सपोज ये इसने अपना जो स्पीड है वो स्पीड को सपोज कम करने की कोशिश की तो इस हिसाब से क्या कम होगा बताओ मुझे tan थीटा को कम देखो tan थीटा तो फिक्स्ड है थीटा इज फिक्स्ड ये फिक्स्ड है रेडियस कम होगा हाँ तो v कम करने की कोशिश की तो क्या कर कम होने की कोशिश करेगा रेडियस बराबर ना रेडियस तो अब एक बात बताओ मुझे अब बोलो मत अब स्पीड कम करने की कोशिश की तो रेडियस कम होगा तो मतलब ये जो कार है वो थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करेगी रेडियस कम कब होगा जब कार नीचे आएगी ना इसे तो बेसिकली कार नीचे आने की कोशिश करेगी अब मुझे तो जब कार नीचे आने की कोशिश करेगी मैं ऐसा लिखा v इज लेस देन v नॉट एक केस कौन सी देखो केस कौन सी है जो कार जो स्पीड का जो इसका जो स्पीड है इसका v इफ v इज लेस देन v नॉट कार का स्पीड v नॉट से कम है तो ये जो कार है ये कहां पे आने की कोशिश करेगा नीचे तो मुझे होता फ्रिक्शन कहां पे लगेगा ऊपर अब मैंने स्पीड और कम करते गया तो ये कार नीचे आने की कोशिश करेगी मतलब इसका फ्रिक्शन क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा यस सर यस फॉर वी मिनिमम तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे ध्यान में रखना ये अच्छी केसेस है फॉर वी मिनिमम कंडीशन मुझे बोलना है कि कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए मतलब उससे और कम होगा तो नीचे आ जाएगा मतलब फिर फ्रिक्शन रुका नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है थोड़ा समझने की कोशिश करो ठीक है और नहीं समझ में तो वीडियो को वापस देख लो तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना है ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना है थीटा तो फ्रिक्शन के कितने कंपोनेंट्स हो गए यहाँ पे ये फ्रिक्शन कौन सा कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा ये फ्रिक्शन कौन सा कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूं हाँ सर अब मुझे एक बात बताओ ये कौन सी कंडीशन के लिए लिया लिखा लेकिन मैंने फॉर वी मिनिमम क्योंकि स्पीड में कम करते गया फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती गई बढ़ते गए और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच किसके लिए हुई फॉर वी मिनिमम तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन क्या आएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन क्या आएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन तुमको दिख रहा है क्या दिख रहा है एन क्या n sin थीटा माइनस f cos थीटा n sin थीटा माइनस क्या f cos थीटा f max है ना वो f max cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है mv स्क्वायर बाय r हां एक्चुअल में जब मैं पहले एक काम करता हूं पहले मैं f cos थीटा इज इक्वल टू लिखता हूं मैं mv स्क्वायर बाय r अब मुझे कौन सी कंडीशन लेनी है v का कौन सा वेलोसिटी लेना है मुझे मिनिमम तो f क्या हो जाएगा यहां पे f क्या हो जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम और एफ की मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ आपको पता ही है कितनी होती है म्यू एस इनटू क्या होती है एन ठीक है चलो ये इक्वेशन नंबर वन हुआ मुझे बताओ अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन क्या बताओ एन कॉस थीटा प्लस क्या एफ मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एमजी इक्वेशन नंबर क्या हो गया टू अब मुझे बताओ इन दो इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा मुझे एफ मैक्सिमम की वैल्यू है कितनी यहाँ पे म्यू एस इनटू कितनी है
एन, अब एन को कॉमन निकालो दोनों से, एन को कॉमन निकालो और डिवाइड करो इक्वेशन नंबर वन बाई इक्वेशन नंबर टू करो, एन एन क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा थोड़ा सा मैच लगाओ, साइन थीटा माइनस ऊपर क्या बचेगा डिवाइड बाय, जिन लोग को ये जो स्टेप मैंने बताई और समझ में नहीं आया गाइस थोड़ा सा डिवाइड कर लो, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर वी मिनिमम डिवाइड बाय क्या आर जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक इसका फॉर्म है, मैं और एक फॉर्म इसका लिखता हूँ, सपोज इसमें बोथ द साइड मतलब ऊपर और नीचे डिवाइड बाय कॉस थीटा किया, ऊपर और नीचे डिवाइड बाय कॉस थीटा किया, ऊपर और नीचे डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दो, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा यहाँ से कॉमन निकालो, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन निकालो, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वन माइनस क्या म्यू एस क्या सॉरी गलत क्या टेन थीटा माइनस क्या म्यू एस डिवाइड बाय वन प्लस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर वी मिनिमम स्क्वायर, ठीक है। और ये आरजी यहाँ पे लेके आया मैं, तो इसको सर रूट में लिख सकता हूँ मैं ऐसे, हाँ सर, तो ये कौन सा स्पीड आ गया वी मिनिमम आ गया, हाँ यस सर, ऐसा कॉमन ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उल्टा किया, किसी के अंदर जोश आ गया, इसमें क्या था पहले मैंने स्पीड को क्या करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, तो रेडियस भी कम होने की कोशिश है। सपोज किसी ने बोला मेरे को स्पीड बढ़ाना है, तो केस थ्री हो गया, फिर देखो केस थ्री हो गया, फिर बाद में लिखने को दूंगा तुमको, टेंशन मत लो। अब केस थ्री आ गया जिसमें स्पीड को क्या करना है उनको बढ़ाना, ग्रेटर देन वी नॉट किया, मतलब देखो यहाँ पे ये वी नॉट वाली कंडीशन है, ये जो है ना ये वी नॉट है, ये जो लिख रहा हूं मैं वो वी नॉट है, मेरा स्पीड सपोज वी नॉट से बढ़ गया तो कार कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, ऊपर रेडियस करेगी, रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा, रेडियस तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, जो फ्रिक्शन इधर था वो फ्रिक्शन अभी कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ, देखो मैं कलर में लिखता हूँ मतलब कंफ्यूजन ना हो, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम मैं यहाँ पे अभी वापस में ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन एफ क्या हो जाएगा, cos थीटा, एफ cos थीटा, तो n sin थीटा माइनस एफ cos थीटा था, तो इस केस में n sin थीटा क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है, यस सर। भाई देखो ना यहाँ पे भाई, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे कहाँ पे आएगा, नीचे, एंगल थीटा यहाँ पे होगा, तो ये फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा नीचे एफ साइन थीटा, समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, इधर माइनस एफ साइन थीटा, समझ रहे हैं। तो मैं अभी पूरा रब कर देता हूँ, यू ड्रॉ द एफबीडी, ठीक है, ये आपको करना है। तो मुझे बताओ ये इसके लिए सिर्फ माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, यहाँ पे भी वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी फॉर वी मैक्स मैक्सिमम, हाँ डिवाइड बाय आर इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पे एन कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, इसको डिवाइड कर लो तुम्हारा काम आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला नहीं है ठीक है याद मत रखो, आर जी क्या होगा टेन थीटा प्लस म्यू एस, और यहाँ पे वन माइनस प्लस, जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे v min की जगह क्या आ जाएगा v max, समझ में सर, हाँ बोलो सर, वो n sin थीटा प्लस f cos थीटा है ना, ना माइनस, सॉरी ओके एक मिनट मैंने कुछ उल्टा किया, ओके सॉरी सॉरी, ये प्लस है माइनस, ओके सर, ऊपर में ये प्लस है और ये माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ठीक है ये चीज ध्यान में रखना, माइनस प्लस ये प्लस टू माइनस, नहीं नहीं ये कुछ रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं, कुछ याद मत रखो, ठीक है, कोई दिक्कत है सर, देखो इसको सर, बोल बोल सर, वी जो है वो कार की वेलोसिटी है ना, वी नॉट क्या है, वी नॉट वो वैसी वेलोसिटी की जिसके ऊपर कार का फ्रिक्शन की वैल्यू लगी ही नहीं, मतलब If V is equal to V naught, no friction is needed. Okay.
जो अपन ने पहले निकाला था ना, लेकिन अभी भी बिना मैंने फ्रिक्शन लिया ही नहीं, तो नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, नहीं? हाँ हाँ, यस सर, जी इसको चलो, ओके, फटाफट लिखो, मुझे इसके बाद और एक केस बतानी है, एडवांस वाली, इसी के ऊपर, सेम है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, या सो लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थिंग, बिकॉज़ इट्स लाइक इट्स नॉट अ फॉर्मूला आल्सो राइट हाँ तो दिस इज लाइक ए क्वेश्चन ना मतलब अभी गाइस मैं जो पढ़ाता हूँ मैं एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ मैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में बदल के पढ़ाता हूँ ना ओके ओके थैंक यू क्वेश्चन ठीक है जिसको मैं कॉन्सेप्ट बना दिया है कभी कभी ये बुक्स में भी एज अ कंसेप्चुअली आता है मतलब कभी कभी बुक में भी इसको कंसेप्ट ही माना जाता है मतलब पूछा जाता है बोल रहे फिजिक्स में भी केसेस बढ़ रही है कोरोना के साथ साथ गाइस कुछ भी नहीं समझ में आता ना यार रिकॉर्डिंग होती है ठीक है मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो रिकॉर्डिंग देखा करो Okay. यशवी बोलती है कि सर देर इज देर अ हॉलीडे टुमारो फॉर इन अकाउंट ऑफ टीचर्स डे ओके भाई अभी तुमको हॉलीडे कितने चाहिए एक दिन में मतलब तुमको अगले हफ्ते में एक फिजिक्स का मैं हॉलीडे देने वाला हूँ आइदर मंडे या फ्राइडे सर मेरे को दो बैचेस को साथ में करना है सो मतलब किसी का कुछ मिस होता है तो आगे पीछे बैठ सकते हो हाँ बोलो सर ऋतुजा को प्लीज माइक म्यूट करने बोला सर आप बोल रहे थे सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी आप देखो बीच में कट रहा था आपका हाँ ऋतुजा आवाज ऋतुजा माइक म्यूट ही था नहीं तू तेरा जो माइक तू बोलती है ना तो बहुत टाइम के बाद वो आवाज आते हैं हमको तेरा नेट का बहुत बड़ा इशू है ओके सर मुझे लगा आज नहीं है नहीं नहीं तू बंद कर माइक ठीक है सॉरी हाँ बोलो धन्यवाद वेदांत थैंक्स आदित्य चलो लिख के हो गए गाइस लिख के हो गए आगे बढ़ू मैं वेट सर एक मिनट नो सर लिख के हो गया क्या एक मिनट सर एक मिनट अरे नहीं हुआ सर देखो ना अरे मेरा बर्थडे आएगा मार्च में इस बार दुखी हूँ मैं सर एक साल वेस्ट हो गया
एक साल जिंदगी का बढ़ गया ऐसे ही सर। मेरा भी बर्थडे मार्च में ही आता है। 4 मार्च 4 मार्च है मेरा डेट। सर आप 32 के होंगे? 4 मार्च सर। आप 32-33 के होंगे ना? 35-40 कितने में? तब तक तो अपन क्लास में मिल ही जाएंगे, तब तक तो कोरोना रहेगा नहीं। होपफुली मतलब। यशवी कौन सा प्रोग्राम है तुम्हारा? चलो पहले अभी आगे क्या करें? मैं आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू? हाँ बोल दो। हाँ हाँ एक एक मिनट तुम्हारा। हाँ बोलो बोलो अभी कुछ बोलो मुझे। हाँ बढ़ू सर, हो गया, हो गया ना? यस सर। हेलो। हाँ बोलो। अब मैं एक सिमिलर केस देता हूँ तुमको, मैं सिमिलर केस देता हूँ। देखो एक सिमिलर केस, ये भी टाइप का क्वेश्चन आता है और इसके बेसिस के सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको एचसीएल से पूछने वाला हूँ। देखो इस कंसेप्ट के ऊपर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क करना है। सेम क्वेश्चन सेम चीज, कुछ फर्क नहीं है इसमें, कुछ फर्क नहीं है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 18 प्रॉपर अच्छे से पढ़ो, तुमको सेम टू सेम आना चाहिए। ये सेम इसके ऊपर यही यूज करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया तुम्हारा, होमवर्क करना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे आपने कभी ये चीज देखी है? इसको मैं बोलता हूं, देखो ये ऐसी वाली चीज है, ये जो है ये ना, मतलब इस चीज को मैं बोलता हूं हेमिस्फेरिकल बॉल। ये होता है हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है? तो बॉल मतलब अपनी घर की कोई भी वाटी, ठीक है? तो पिछले बार भी बोला था, ये बार बोलता हूँ। वाटी, वाटी मतलब क्या होता है भाई? वाटी मतलब आपने देखी होगी कटोरा। हाँ कटोरा टाइप, ठीक है? तो वो कटोरा टाइप ऐसा होता है। अपने आपने कभी ये ना मतलब एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है? एक एक्सपीरियंस किया होगा कि सपोज ये जो कटोरा है, ठीक है, मतलब ये जो कटोरी है इसके ऊपर ना कुछ चीज रखो ऐसे मास m, और इस मास m को छोड़ दो तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, सीधा ऐसे खिसक के नीचे आ जाएगा। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि इस चीज को देखो, इसका ये ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या, इसका सेंटर मतलब ये स्फीयर है ना कुछ, देखो ये कुछ ना कुछ ऐसा स्फीयर है, तो स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहेगा, वो सेंटर ये ऐसा पकड़ लो, ठीक है? अब ये सेंटर मतलब उसका ओरिजिन, मैं ओ पकड़ लेता हूं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, आपको पता है आपने एक चीज देखी होगी कभी ना, उसको जोरदार ऐसा घुमाओ, ऐसा करके घुमाओ जोरदार, तो मैंने सब इसको ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घुमाया जोरदार, तो कभी कभी ना मास जो होता है ना वो इधर ही चिपका रहता है। कभी देखा है ये चीज आपने, नोटिस किया है क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट किया? कभी कभी चीज है ना ऐसा रखो और जोरदार घुमाओ तो उधर ही चिपका रहेगा, वो नीचे नहीं गिरता। नहीं देखा है तो इमेजिन करो, ठीक है? तो अब क्या बोला है मुझे, मैं कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी मैं क्या करूंगा इसकी, इफ एंगुलर वेलोसिटी कुछ मैं एंगुलर वेलोसिटी के इसके बराबर रखूं तो शायद से वो इधर ही चिपका रहेगा। चिपका रहेगा तो मुझे होता है इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इसका सेंटर कैसे आएगा, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे आएगा, इधर आएगा सर्कुलर मोशन सेंटर, इधर आएगा सेंटर, इधर मुझे होता है इसका नॉर्मल फोर्स, इसका एफबीडी बनाओ क्या होगा, सेंटर इधर आएगा, एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर इज इक्वल टू, अभी ओमेगा के टर्म में लिखता हूं मैं क्योंकि ओमेगा से घुमाया मैंने, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, तो मुझे तो इसका एफबीडी क्या आएगा,
नॉर्मल फोर्स कहां पे आएगा? नॉर्मल फोर्स टुवर्ड सेंटर. mg कहां पे आएगा? नीचे. कोई दिक्कत है मुझे बताओ यहां पर? समझ में आ रहा है तुमको मैंने क्या किया? अब yes. मैंने x एक्सिस बनाया, मैंने ये y एक्सिस बनाया, ठीक है. अब मैं, अब मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, सपोज मैंने ये एंगल थीटा लिया, ठीक है. लेट्स से मैंने ये एंगल जो है ये मैंने थीटा लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. तो मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स के कितने कंपोनेंट्स आएंगे यहाँ पे? बताओ कितने कंपोनेंट्स आएंगे नॉर्मल फोर्स के? यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएंगे? ऊपर आएगा एन कॉस थीटा, इधर क्या आएगा? एन साइन थीटा. तो मुझे बताओ इस केस में, इन केस में सब प्रॉपरली घूम रहा है, एक मिनट, अब प्रॉपरली घूम रहा है, तो मुझे बताओ क्या इक्वेशन क्या आएगा? एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? इक्वेशन नंबर वन. मुझे बताओ एन कॉस थीटा की वैल्यू क्या, किसके बराबर आएगी? एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? mg. इक्वेशन नंबर टू. mg. क्या वो समझ में आ रहा है तुमको? तो ये हो गया मेरा केस वन, ठीक है. तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई? किसके बराबर आई? ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी. अब कभी कभी आपने ये चीज नोटिस की होगी, सपोज मैंने इसका स्पीड बढ़ाया तो क्या होगा बताओ मुझे? इसका स्पीड मैंने बढ़ाया, इसका ओमेगा जो था वो ओमेगा एग्जैक्टली ओमेगा नॉट है. अब कभी कभी ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, हो सकता है ना? फ्रिक्शन हो सकता है ना गाइस? यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है, राइट? यस सर. इफ एंगुलर वेलोसिटी मैंने जोर दे से उसको स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, तो ये कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा? बाहर, ऊपर. तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा. तो मुझे इस केस में फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है. फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? नीचे. नीचे. और मुझे तो स्पीड कम किया, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? ऊपर. ऊपर. तो मुझे बताओ सेम केसेस हो गए ये वाले और ये वाले का कोई फर्क है क्या? नो सर. भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है ना. तो नाउ इफ ओमेगा इज ग्रेट लेस देन ओमेगा नॉट, तो क्या होने वाला है? स्पीड कम करने की कोशिश की, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? ऊपर. ऐसे पैरेलल टू सरफेस आएगा ऊपर, ठीक है. तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर आएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर आएगा, एंगल थीटा है, तो ये 91 से तो ये भी थीटा हो गया. तो इसके कितने कंपोनेंट हो जाएगा ना? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, बराबर ना? सो हाँ, रेडियस कम हो जाएगा ना इस केस में? हाँ बराबर, रेडियस कम हो जाएगा. इफ एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन एंगुलर वेलोसिटी नॉट, तो क्या होगा? वो कहाँ पे आने की कोशिश करेगा? नीचे. तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? अपोजिट, ऊपर. मतलब ऊपर. भाई ये रेडियस है ना, समझ में आ रहा है क्या? ये रेडियस है. रेडियस मतलब कौन सा रेडियस है? इसमें आर क्या है बताओ मुझे? इसमें आर क्या है? मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, तो तुम गलती करोगे. ये जो चीज है वो रेडियस आर है, समझ में आ रहा है? हाँ, किसी ने बोला हेमिस्फेयर का रेडियस. हेमिस्फेयर का रेडियस क्या मानेंगे अपन? एल. नहीं, वो क्या कैपिटल आर मानेंगे चाहिए. तो चलो, तो ये आर हो गया. तो आपको पता है, मतलब किसी को लिखना है तो आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर. तो ये भी मतलब एच शर्मा में दिया है ये चीज, तो आर में इतना आर साइन थीटा. ये समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूं अभी? तो इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन बताओ क्या आएगा? इक्वेशन लिख देते हैं इसमें, क्या आएगा इक्वेशन? एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है. इसमें ऊपर क्या आएगा? एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी. फिर डिवाइड कर लो फ्रिक्शन. ये मिनिमम चाहिए सपोज, ठीक है, इसको मिनिमम चाहिए. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? मैक्स. मैक्स म्यू एस एन. सेम चीज यार, मतलब जो सेम चीज मैंने जो करवाई थी, एन एन कैंसिल हो गया, सेम आ गया आंसर गाइस. कुछ फर्क नहीं आएगा. साइन थीटा मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया. समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुमको? यस सर. कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू. सबके पास अभी एच सी और मैं, तुम लोग लेके बैठे हो क्या? तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक एच सी वर्मा में देखो, ये केस टू हो गया. केस थ्री के लिए क्या होगा बताओ? मैं ओमेगा मैक्सिमम क्या होगा बताओ मुझे? ओमेगा मैक्सिमम के लिए माइनस के जगह क्या आएगा? कौन सा साइन? प्लस. कौन सा साइन? प्लस के जगह माइनस. माइनस, ठीक है.
तो ओमेगा मिनिमम क्या बन गया, ओमेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कुछ कुछ डाउट है क्या इसमें? तो एचसी वर्मा में, एचसी वर्मा में देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखो सेम है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है एक्सरसाइज का। और इवन ये चीज ना सॉल्व एग्जांपल देखो, सॉल्व एग्जांपल में भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 या ऐसा कुछ चेक करो, सॉल्व एग्जांपल है ना, देखो यहाँ पे एक डायग्राम मिलेगा आपको, ऐसे मिल जाएगा देखो, सिर्फ इतना पार्ट है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है सिर्फ जो मैंने यहाँ पे करवाया केस वन। तो केस टू एंड केस थ्री जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 18, मतलब ऐसे टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस हो गए। सर ये होमवर्क है क्या? हाँ, आप सिर्फ एग्जांपल बोल रहे हो? नहीं ये होमवर्क है, होमवर्क करना है आपको। एचसी और में पूरा का पूरा खत्म करना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन का भी एचसी और में पूरा का पूरा खत्म करना है। मैं और एक लेक्चर मतलब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, मुझे आपको बोला था ना सर्कुलर मोशन एक्चुअली दो लेक्चर का ही काम होता है और 15 से 20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो सकता है, लेकिन मैं खत्म नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक लेक्चर में और एक्सटेंड करूंगा इसमें। और तुम्हारा अगले लेक्चर में मैं पेपर सॉल्विंग पेपर डिस्कशन भी कर लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब पेपर डिस्कशन और वो चीज ये दोनों चीज थोड़ी सी रहेगी, ठीक है। एकदम लास्ट का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है सर्कुलर मोशन का, ठीक है, सर्कुलर मोशन का एकदम छोटा सा लास्ट का पार्ट बचा हुआ है और थोड़े से एडवांस के और एग्जांपल्स भी बचे हुए, मतलब नहीं तो ऑलमोस्ट अपना एचसीआरमा मतलब ऑलमोस्ट अपना जो है मतलब सर्कुलर मोशन खत्म हो चुका है, ठीक है गाइस। सिर्फ एक काम करो, मैं ये फटाफट लिखो, ये फटाफट लिखो, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन को लिखना है आपको। आपको समझ में आया क्या आज का लेक्चर? लेकिन नहीं समझ में आया? यस सर। तो समझ में आया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ चीजें तो मैं मतलब एडवांस प्लस वाले लेक्चर में भी, अभी सबका बैच एक बार सेम आ गया है ना दोनों बैचेस, तो फिर मैं उसके बाद आपका कंबाइन एडवांस प्लस वाला लेक्चर अभी लगा सकता हूँ जो पहले होता था, जो मैंने अंदर रुका दिया था, मैं वापस करा दूंगा। हाँ बोलो सर। हम लोग का एडवांस का वेज कंस्ट्रेंट हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिला हमको यूट्यूब पे। हाँ, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था वो। अच्छा ठीक है, तो मैं वो करूंगा ना, मैं वापस पढ़ाने वाला हूँ। ओके थैंक यू। मैं क्या करने वाला हूँ पता है? तुम लोग को चाहिए तो काइनेमेटिक्स का जो काइनेमेटिक्स में कैलकुलस वाला पार्ट है ना ग्राफ वाला, उसका एक बार वापस करा दूंगा, मतलब एक बैच में पढ़ाने वाला हूँ, तो तुम लोग सब लोग एक साथ बैठो उसमें। ओके, क्योंकि ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो ग्राफ का वाला पार्ट एक बार वापस बैठ लो, ठीक है, रिवीजन हुआ तो अच्छी बात होता है गाइस, ठीक है, तो वो बैठ लो और फिर उसके बाद मैं और कुछ बताऊंगा वो भी करना है, ठीक है। अभी होमवर्क क्वेश्चन पहले लिखो, सब लोग होमवर्क क्वेश्चन लिखो, मैं भी पढ़ा था नहीं कुछ, थोड़ा सा रखते हैं अगले इसमें। हाँ बोलो। काइनेमेटिक्स का रिवीजन लेक्चर होगा सर? हाँ, काइनेमेटिक्स का रिवीजन लेक्चर है, काइनेमेटिक्स का कैलकुलस पार्ट वाला रिवीजन लेक्चर होगा। अच्छा, और बाकी तुम्हारे पास है ही ना यार, मतलब वो तो है ही। चलो फटाफट अभी एक काम करो, जो वर्कआउट एग्जांपल है ना सॉल्व एग्जांपल। हाँ सर, हमने काइनेमेटिक्स के रिलेटिव मोशन में प्लेन विंड वाला क्वेश्चन नहीं देखे। हाँ तो वो बाद में करेंगे, मतलब वो एडवांस प्लस वाले बैच में। सॉल्व एग्जांपल देखो, सॉल्व एग्जांपल में आपको ये होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, 8 पहले इतना कर लो. क्वेश्चन नंबर 11 ये तो मैंने दिया ही था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको पहले करने सॉल्व एग्जांपल में से. होमवर्क करना है और ये सब कुछ सबमिट करना है. देखो ये होमवर्क आपने किया तो ही गाइज आप संडे का टेस्ट दे पाओगे, ध्यान में रखना. मैंने सॉल्व एग्जांपल भी क्यों करने को बोला, एटलीस्ट आपको सॉल्व एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया तो आ जाएगा. ठीक है, ये पेज नंबर कौन से वाले थे, ये पेज कौन सा पेज है, पेज 107 है शायद, बराबर पेज 107 से स्टार्ट होता है. यस सर. और उसके बाद पेज 114, हाँ पेज 114 में एक्सरसाइज में आपको अभी कौन से क्वेश्चन करने में बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बोला था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22 मस्त करो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, 24 और क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे जो एग्जांपल मैंने दिए ना 18, 19, जिसमें अभी जो मैंने करवाया वो कौन सा करवाया, मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया 18 एंड क्वेश्चन नंबर 24 का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया. बाकी जो क्वेश्चन है ना जो मैंने स्टार मार्क किया है 20 एंड 22 एंड 20, वो मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है. और जो लास्ट के क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल पे है, वो छोटा सा कंसेप्ट जो बचा है 10 मिनट का, ठीक है. लेकिन उसके पहले ये कर लो क्योंकि अपने पास टाइम है. कोई दिक्कत है अभी, ठीक है गाइज, इतना कर लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इतने करना है. सबमिट तुमको मतलब एक्चुअली संडे को ही करना है, मतलब अभी कर लो, आज फ्राइडे है ना, तो आज के आज थोड़ा सा अभी ब्रेक ले लो, इसको कर डालो, ठीक है, इसको कर डालो. देखो क्योंकि वर्क वाला जी कोलिजन होगा तो वापस और आपके ऊपर ना बर्डन बढ़ते जाएगा, मतलब बैकलॉग बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मॉड्यूल्स भी आए हुए हैं, ध्यान में रखना गाइस. वर्कशीट मैंने भेजे है, वर्कशीट है, मॉड्यूल्स है, बहुत सारी चीजें, जिंदगी में बहुत कुछ है करने लिए, ठीक है. चलो गाइस, मैं आज डाल दूंगा रात तक ये रिकॉर्डिंग, कन्फर्म अगले लेक्चर यूट्यूब पे डालोगे सर. चलो बाय बाय गाइस. सर हाँ बोलो सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने टेंशन, उसका मास और उसकी लेंथ का रिलेशन नहीं देखा है, बट फिर भी वीकली असेसमेंट टेस्ट में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. सर आपको सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया, लेकिन किस कहाँ पे क्वेश्चन आए थे वीकली असेसमेंट टेस्ट? सर फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अभी जो टेस्ट हुई थी उसमें. तो सर पता ही नहीं था उन क्वेश्चंस को कैसे करना है. ठीक है ना, तो मतलब करेंगे अपन, एक पेपर डिस्कशन होने वाला है, ठीक है. बाय बाय सर. पूरा संडे को कभी भी हो सकता है, संडे को मोस्टली इवनिंग को होगा अपना टेस्ट, इवनिंग, ठीक है. चलो बाय गाइस. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. बाय बाय. Bye. Bye. Bye.